यार भाई अर्पण, क्या हाल चाल? क्या है, बिल्कुल बैठे रहते हैं यार कि बस भाई लाइव स्ट्रीम चालू और बस मैं लिखूँ इधर। अरे दो यार तीन भाई दिन अर्पण, क्या हाल चाल? क्या है, बिल्कुल बैठे रहते हैं। अरे मैं एक्चुअली दो तीन दिन से इसलिए स्ट्रीम नहीं किया ना, मैं थोड़ा दूसरे काम में फंसा पड़ा था इसलिए भाई। तो बार्टरिंग बार्टरिंग अभी क्या है ना, सीन क्या है यार, बहुत मुश्किल से मैंने पैसे वापस है ना इन गेम यार हासिल किए, यार इकट्ठे किए हैं। और आजकल मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ, बहुत सारी चीज़ ऐसे बोरिंग हो जाती है इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो लॉग इन होके मैं भी बैठा रहता है यार आजकल। आप अरे नहीं यार, आतने की बात नहीं है, बोला ना मैं थोड़ा सा, मैं दूसरे चक्कर में पड़ा हुआ इस गेम में ही, दूसरे चक्कर में पड़ा हुआ, तो उसके चक्कर में थोड़ा पैसे वैसे बनाने के चक्कर में हुई यार। मेरे को कुछ है ना, वो मालूम है ना, मेरे को अपना वो अटैक पावर बढ़ाना है तो उसके चक्कर में बैठा हुआ था यार। मैं सोचा समुंदर में कुछ पैसे से कमा लिया जाए, उसके बाद फिर चलते। तो अपन लोग जा रहे हैं भाई उधर, यहाँ पे मेरा शिप है ना, रुक शिप निकालता हूँ मैं, थोड़ा पैसे से बना ले यार, समुंदर में फिर चलते हैं। मैं दूसरे काम में एक्चुअली था इसलिए नहीं कर पाया। टेकआउट, ये मेरा सेल बोट है, मैं इस शिप को है ना बड़ा करने के चक्कर में हूँ, बड़ा वाला बनाने वाला हो यार। ये देख रहे हो 107 मिलियन इकट्ठा इकट्ठा कर लिया, मार्केट में मैं करीब 600 मिलियन के आसपास उधर इकट्ठा कर लिया। तो यार पैसे जरूरी है यार इस गेम में, उसके चक्कर में रहता। लोड कार्गो, कार्गो में मेरे पास अभी फिलहाल ये है, मैं थोड़ा शिप के चक्कर में हूँ यार। शिप मतलब कि शिप जो है ना, थोड़ा अपग्रेड करने के चक्कर में, बड़ा वाला जो शिप ये दिख रहा है ना, इसके चक्कर में पड़ा हुआ, क्योंकि ज़्यादा होएगा तो पैसे यार ज़्यादा इधर से आएंगे। आपका भी कोई गेम खेल लिया करो साथ में। भाई मेरे पास और कोई गेम ही नहीं है यार, तो रुक जा यार, मैं बार्टरिंग में देखता हूँ कि मेरे को बार्टरिंग में क्या है ना, इजी पैसा है यार इसमें, इजी पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे पाउडर ऑफ टाइम है, टाइम ही लेके घूम रहा हूँ ना भाई। नहीं यार, गलत, मैं गलत गलत चीज़ लेके घूम रहा हूँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है यार, मैंने कुछ तो गड़बड़ या किया है यहाँ पे। जीत भाई एक्चुअली दूसरा गेम, कौन सा गेम भाई दूसरा गेम भाई, मेरा और दूसरा गेम खेलने नहीं आता। रुको यार, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं शायद गलत गलत सामान यार, प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ मैं, तो पानी में जाबे मैं, मुझे लग रहा है। अरे लक्ष्मी सीढ़ी कैसे यार, नहीं आने का, रोज लाइव करने का ये है कि मैं थोड़ा सा दूसरे चक्कर में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए मैं कल उधर आया तो ऐसे ही उल्फ नॉक्स के साथ बैठ गया था मैं। मेरे को लग रहा मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है यार, कुछ तो गड़बड़ करी है। मैं क्या लेके आया हूँ वहां से, मैं दूसरे सिटी से मैं क्या लेके आया, लोड कार्गो, रुक ये है पाउडर ऑफ सेरेविक, और इसको क्या चाहिए, रुक जा यार, ये मेरे को पैसे बनाने के लिए पाउडर ऑफ टाइम। शिट मैन, गड़बड़ कर दी यार मैंने ना यहाँ पे, शिट शिट शिट, शिट। मेरे को जाना पड़ेगा अभी, दूसरे शहर जाना पड़ेगा वहाँ, रुक जा यार। मैं थोड़ा सामान मान सामान रख के आता हूँ यार। अरे लक्ष्मी सिटी में बढ़िया हो यार, मेरा घोड़ा कहाँ गया? अब अर्पण भाई कैसे हो? मैं जा रहा हूँ यार उधर दूसरे शहर, मैं एक्चुअली दूसरी दूसरा पाउडर ऑफ क्या चाहिए था इसको, पाउडर ऑफ टाइम चाहिए था, और पाउडर ऑफ सेराविक में लेके आ गया। मेरा घोड़ा किधर गया बे, वेयर आर यू घोड़ू, चल वापस, अब दूसरे शहर जाना पड़ेगा मेरे को, वहाँ से सामान लेके आना पड़ेगा। थोड़ा पैसे से बना लो गेम में यार, ये मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूँ मैं आज तो। आज कौन सा दिन है, आज पता नहीं कौन सा दिन, आज तो शायद हम लोग का नोडवार भी होने वाला है ना। अरे 56 लेवल पहुंचा दिया निंजा को, निंजा को 56 लेवल पहुंचा दिया, उसके बाद फिर मैं काफ़ी दिन से अपने गार्डियन से लॉगिन हुआ नहीं हूँ, मैं गार्डियन से मैं काफ़ी टाइम से लॉगिन हुआ नहीं हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बार्टरिंग के लिए जा रहा हूँ, बार्टरिंग मतलब कि एक तरह से एक ट्रेड सिस्टम है यहाँ पे, एक सामान एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे लेके आओ, और लास्ट में जब एंड में जो पैसे बचते हैं ना उसको सेल कर दोगे तो एक आइटम जो है 5 मिलियन सिल्वर का बिकता है, तो वो प्रॉफिट होता है हम लोगों का।
तो अभी मेरे को कुछ प्रॉफिट बना लो यार, पैसे वैसे कम से कम 25 मिलियन तो अभी बन जाएंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक 25 मिलियन हो जाएंगे। 25 मिलियन बनाऊँ या क्रो कोइंस ज्वाइन करूँ, आई डोंट नो यार। ये देख रहे हो यार, आजकल नया इवेंट चल रहा है, चारों सजा रखा है पूरे शहर को इन लोगों ने दिल के शेप में। चलो मैं वापस आ गया हूँ यार, अपने शहर में आ गया हूँ जहाँ पे मेरा मेरा होम है, मेरा होम टाउन है, यहाँ पे आ गया हूँ। ये देख रहे हो यार, पूरा सजा हो जाके रखा हुआ भाई लॉन्डो ने। ये देखो पूरे गेम को अलग ही दुनिया दे रखा है भाई इन लोगों ने। जो इस गेम के बारे में पता है ना, उसको बहुत मजा आता है, बार्टरिंग वोटरिंग बहुत देखते हैं। तो रुक यार, ये जो हमें गलत पाउडर जो लेके आया था ना, मैं गलत पाउडर लेके आया था, पाउडर ऑफ टाइम चाहिए इसको, यहाँ पे 200। वही मेरे को लास्ट टाइम कंफ्यूजन हुई था लेके जाते समय। लक्ष्मी सिटी वॉज टाइम आउट भाई सैम। भाई मैं कहाँ से टाइम आउट दे दिया भाई, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। क्या हो गया, क्या भेज दिया भाई तूने ऐसा जो टाइम आउट खा गया भाई? मैंने तो कोई टाइम आउट नहीं दिया दोस्त, ये किसने इसको टाइम आउट दे दिया भाई 300 सेकेंड का? मैं तो अपना घोड़ा चला रहा था। अरे देखो भाई, इस गेम में करना क्या होता, स्टोरी बेस्ड गेम है ये, ठीक है, एमएमओ आरपीसी है। इस गेम में बहुत कुछ करना होता है। तो इस गेम में आप जो है अपना एक अलग से एक पर्सनालिटी डेवलप करते हो। तो जैसे मैं हूँ, मैं मोस्टली जो है वार पे फोकस रहता हूँ। तो यहाँ पे वार होता है, खेती बाड़ी होती है, 50 चीज़ें लाइफ स्किल होता है, 50 चीज़ें होती है, लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, यहाँ पे सामान खरीदते बेचते रहते हैं प्रॉफिट में। तो एक्चुअली इस गेम में है ना, स्टोरी जो होती है एक नॉर्मल से बेसिक स्टोरी है और बहुत सारे एरियाज हैं। अब हर एरिया की अलग अलग अपनी स्टोरी है। जैसे कि मैं मैप खोल के दिखाता हूँ, तो ये स्टोरी लाइन जो शुरू होता है ना, इस वाले एरिया से शुरू होता है, एक छोटा सा गांव से, ये गांव है, गांव से शुरू होता है, ये पूरी किंगडम है, ये पूरी की पूरी। जो रुको यार, मैप मेरा माउस स्क्रॉल सही से काम नहीं करता है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये है ना, पूरा का पूरा मैप है। और यहाँ पे कोई भी ये नहीं कि टेलीपोर्ट कर जाओ, ये कर जाओ, एक ओपन वर्ल्ड गेम है, आपको खुद से जाना पड़ता है। तो ये मैदानी इलाका है यार, ये मेन स्टोरी जो है हमारे को यहाँ से शुरू होती है। यहाँ एक छोटा सा गांव है, उसके बाद ये रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे शहर है। आप जाओ, डिस्कवर करो, वहाँ पे मिशन होते हैं, मिशन ख़त्म करो, फिर आप इस एरिया में आओगे। यहाँ पे उड़ने वाले घोड़े, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो क्या बोलते हैं यार उसको, उड़ने वाले घोड़े को, व्हाइट कलर का जो होता है, उस तरह के घोड़े होते हैं, उनका इलाका है कामसेल्विया। उसके बाद फिर नया इलाका है ड्रीगन, जहाँ पे ड्रैगन होते हैं। तो पूरा एक ओपन वर्ल्ड गेम है, आपको लड़ाई करनी है, आप दुश्मनों को मारना चाहते हो दुश्मन मारो, मॉन्स्टर मारो, खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो। टाइम आउट लेकिन कैसे, किसने भाई, वो ऑटोमेटिक मेरे चैनल से पढ़ा है लेकिन मैंने नहीं दिया भाई, लिखा क्या उसने? तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब सीन क्या है ब्रो, कि रुको यार मैं अपना सामान लेके आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रेस चलती है, जैसे मेरा घोड़ा सबसे स्ट्रांग है, यहाँ पे ड्रीम हॉर्स होता है, प्लेयर जो होते हैं प्लेयर एज अ वॉरियर फाइट करते हैं। तो प्लेयर का पोजीशन क्या है, मेरा अभी जो पोजीशन चल रहा है 219 AP चल रहा है, तो मैं ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता हूँ। अलग अलग तरह के स्टोरी लाइन, अलग अलग मॉन्स्टर और एरिया जो होते हैं, जैसे ये शहर है ना, छोटा सा गांव है, इसको कैप्चर किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं इस गेम में। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि इस गेम में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन गेम फन है यार। गेम में अगर गेम को गेम के हिसाब से, एक वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो भाई अलग चीज़ है। तो ये रहा यार, ये चीज़ आइटम चाहिए था मेरे को, ये आइटम मेरे को लेके जाना है। मैं पैसे कमाने निकला हूँ, ट्रेडिंग करने निकला हूँ। मैं एक राउंड मार लूँगा ना, मैं एक राउंड मार लूँगा तो मेरे को ये जो है 1 मिलियन से मेरे को 25 मिलियन का सीधा सीधा प्रॉफिट होने वाला, 25 से 30 मिलियन का मेरे को प्रॉफिट होगा भाई। और ये यहाँ पे एक छोटा सा क्रोकोइन तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्रोकोइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी क्या है, मेरा टारगेट क्या है कि अभी बड़ा वाला शिप जो है ना, ये शिप जो है बड़ा वाला जो दिख रहा है आप लोगों को,
बड़ा वाला शिप यार बना सकूँ यार, जिसमें छः छः और आठ एकदम कैनन लगे हों भाई, तब लेके निकलेंगे भाई। रुक, अपना शिप थोड़ा अंदर डालने दो और बाहर निकालने दो। भाई सप्लाई सप्लाई ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इस गेम में यार एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ करने को यार। ये एमएमओ आरपीजी है, एक नॉर्मल एमएमओ आरपीजी जो टिपिकल बनता है वैसे होता है भाई। तो मैं अपना शिप लेके जा रहा हूँ अभी। सामान जो है इसमें इसमें क्या होता है ना, इसमें शिप में सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना पड़ता है, और सामान अगर आपके पास है तो भाई वो 25 मिलियन या 30 मिलियन जो प्रॉफिट है वो आपका ये है। तो अभी क्या है, मेरे पास ये जो सामान है इसको मैं ट्रेड करूंगा, ये सेरका आइलैंड पे इसकी कमी है, तो मैं यहाँ जाऊँ तो मेरे को बदले इसके बदले लेवल वन का सामान मिलेगा। अब लेवल वन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन लेवल वन से मैं इसको लेवल टू से एक मेरे को मिलेगा एक पीस, और इससे मैं क्या है लेवल टू से मैं वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं इसको, चलते रहो मैं फिर बाद में समझाता भी। तो यहाँ पे बार्टरिंग होता है, दिन भर में 3 बार्टरिंग जो है आप कर सकते हो, और 1 लाख पार्ले मिलता है, जिसमें एक बार्टरिंग में करीब 24,000 के आसपास खर्च होता है। तो मतलब ये ट्रेडिंग है, एक तरह से ट्रेडिंग समझ लो। 124 बार मैं ट्रेड कर चुका हूँ, तो लेवल वन के सामान से आप फिर लेवल टू का सामान जो है ट्रेड करते हो, तो एक तरह से पैसे कमाने का अच्छा सा तरीका है, और आप एफके भी रह कर सकते। तो यहाँ पे लेवल वन से फिर दूसरे आइलैंड पे जाऊँगा तो लेवल टू का मेरे को ये सामान मिलेगा, फिर लेवल टू वाले को मैं वो करूँगा। देखो अभी लेवल टू आ गया ना, लेवल टू को मैं लेवल थ्री से इसको एक्सचेंज करूँगा। कहाँ गया भाई, लेवल टू से लेवल थ्री पे एक्सचेंज करूँगा, ये रहा। अब लेवल थ्री का जब एक्सचेंज करूँगा ना, तो लेवल थ्री का एक्सचेंज 1 का 3 मिलता है यहाँ पे, 1 का 3 भाई। अब यहाँ से पैसे कमाने का साधन शुरू हो जाता है। आप चाहो तो ये 1 की कीमत जो है 1 मिलियन सिल्वर है, तो मेरे को 3 मिला तो हो सकता है मैं 2 ट्रेड करूँ 1 बेच दूँ, तो मेरे को 1 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं लेवल थ्री से लेवल फोर पे जब सामान ट्रेड करूंगा तो उसकी कीमत है ना यहाँ पे दुगनी हो जाती है। कहाँ गया लेवल थ्री भाई, टॉन पायरेट कहाँ है, कहीं पे होगा यार। हाँ ये रहा, तो ये डैगर मिलेगा मैं, तो ये देखो इसकी अभी कीमत है 2 मिलियन है, तो यहाँ पे 1 का 2 मिलेगा, यानी 3 मेरे 1 से 3 मिले से अब 3 से 6 हो गए मेरे को। अब लेवल फोर से लेवल फाइव में मैं ट्रेड करूंगा तो सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे लेवल फाइव में अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, लेवल फाइव के जो सामान मिल गए ना यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप जाके इसको एक्सचेंज कर दो तो आपको जो है क्रो कोइन मिलेगा जिससे आप सामान खरीद सकते हो, या फिर उस लेवल फाइव वाले आइटम को आप बेच दो, तब तक आपके पास 6 आइटम हो चुके हैं। यानी कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया 1 मिलियन तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 29 मिलियन का। अरे भाई मेरे को खुद पता नहीं भाई, यहाँ पे ऑटो मोड है ना भाई, ऑटो मोड है भाई। अरे अर्जुन भाई कैसे हो यार। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे जा के अभी जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो देखो मैंने यहाँ से शुरू किया। यहाँ पे 3-4 पोर्ट है पूरे गेम में जहाँ पे इजी होता है, तो ये पोर्ट वेलिया सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है यार, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला है। उसका मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, तो ट्रेड करने के बाद एक और पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप या तो मैं सामान स्टोर करके आगे फ्यूचर के लिए रख दूंगा कि जब मेरे को पैसे कम पड़ेंगे तब जाके मैं सामान बेच लूँगा, या फिर जो भी है। इस तरह से गेम डिज़ाइन किया गया है पैसे बनाने के लिए, इजी मनी। अब समुंदर में जाओ फाइट भी कर सकते हो, सी मॉन्स्टर है उनको मारो, उनसे भी कुछ अलग अलग ड्रॉप मिलते हैं, उनको भी बेच सकते हो। तो इस गेम में यार मतलब कि हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको फाइट नहीं करना रिलैक्स करना है वो बैठ के रिलैक्स करता रहे, अपना सी ऑफ थीप्स खेले भाई, जाके मारे इधर उधर। हेलो भाई ट्विच भाई अभिनव कैसे हो भाई, जीत डोएल मॉडरेटर भाई, तुम्हें क्या मॉडरेटर मैंने कब बनाया था भाई। तुम्हें कब मैंने मॉडरेटर बना दिया भाई। तो इस तरह से गेम में यार क्या बोलो यार, इस गेम में बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अभिनव भाई कैसे हो यार, अभिनव कौन अभिनव यार, मैं बहुत सारे अभिनव को जानता हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कौन सा मॉडरेटर कैसे बना है भाई।
चलो मॉडरेटर हो तो रहो भाई, मेरे को तो याद भी नहीं है यार। मॉडरेटर अब ऑटोमेटिक बन गया क्या भाई तू? वही तो हैक को मारा क्या? अबे तू, अरे लो बेटा, तू मेरा क्या बैठ के स्ट्रीम देख रहा है क्या? मेरा बेटा सबको बना रहा है क्या मॉडरेटर? क्या कर रहा है तू? अच्छा तू तो अपना कार्टून देख रहा है भाई। हैक मार दिया तूने यूट्यूब को भाई। अब चलो, अब तुम लोग टाइम आउट नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये भी अजीब बातें है कोई भाई। तो ऐसे ही बैटरिंग से स्टार्ट करूंगा उसको। निंजा जो है मेरा 56 लेवल का निंजा हो गया यार। उस निंजा को यार वो बढ़ाएंगे। चलना बे समुंदर, समुंदर में फंस गया भाई मेरा लौंडा। एनी वन वाना डू सेवेज रिफ्ट जस्ट टू। हाँ भाई आ जा आ जा। हाँ कहाँ गया भाई? आइलैंड ही है। जितना हो सके टाइम आउट दो फिर मैं भी बाबा के सिर। किसने टाइम आउट दिया भाई, समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन हाँ सही है, मैं भी सरप्राइज हो गया तुम्हें टाइम आउट मिला तो। आ जा यार। अरे कल मैं स्टार्ट करने वाला था लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे काम में इसी जैसे बैटरी वोटरी के चक्कर में पड़ा हुआ था यार। आजा आजा। मैं कुछ तो गिल्ड चैट में कुछ राइट कर रहा था मैं।
तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड करके दूसरे लोकेशन में मेरे को जाना है। सनी देओल वाला ढोल है भाई, सनी देओल वाला ढोल। क्या ढोल भाई, कौन सा ढोल? तो यहाँ से है आइटम मेरे को ट्रेड करना है। ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, जाओ यहाँ पे एंकर का ऑप्शन आएगा, बार्टर में 200 की जगह पे यहाँ पे एक्सचेंज कर दो। अब मेरे पास हो गए हैं दो वो। अभी क्या है, मेरे को ये वाला आइटम कहीं और पे, ग्रीन आइटम अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ। इससे मेरे को ये करना पड़ेगा, कुर्ता आइलैंड, आइलैंड पे आइलैंड 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 जो भी है यार। तो यहाँ पे ये जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके ये एक्सचेंज करूँगा तो मेरे को इससे दो आइटम और मिल जाएंगे। मतलब लेवल 2 का आइटम मिल जाएगा और लेवल 3 के आइटम से मैं सामान जो है सेल कर सकता हूँ। तो ये अलग चीज़ें है यार। मैं आजकल कभी कभी जब फुर्सत मिलता है, जब टाइम ज़्यादा रहता है रातों को, तो ऐसे ही सेलिंग पे लगा के छोड़ के चला जाता हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ से आइटम सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें है ना, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, तो ये ट्रेडिंग रेटिंग में काम देगा। तो अभी यहाँ पे मेरे को जाना है और यहाँ से मैं ये फिश बोन से मैं कॉइन ले लूँगा यहाँ पे, और फिश कॉइन से फिर अपन लोग दूसरा कुछ आइटम ले लेंगे। यार कहीं दूर दूर मत दे यार, नज़दीक दे यार, मैं भी बोर हो जाऊँगा भाई। स्ट्रीम पे ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, मैं बार्टरिंग के मेनू में एक और देख, क्योंकि मेरे को शिप जो है ना अपना अपग्रेड करना है यार। दिक्कत इस चीज़ की है, मेरे को सिर्फ अपग्रेड करना है और मेरे को कुछ आइटम भी चाहिए, इसलिए बाटरिंग के चक्कर में हूँ कि ऐसे बाटरिंग से ही कुछ आइटम जो है बाटरिंग से ही मिल सकता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे को और क्या क्या मिलेगा, अभी रिफ्रेश नहीं मारा है। तो हर बाटरिंग में ये थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे पॉइंट्स है, 1 लाख पॉइंट स्टार्टिंग में मिलते हैं, कम हो जाता है वो जब ये 0 हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते हो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे को कुछ ऐसा कुछ खास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हेलो भाई नाग भाई, कैसे है यार? शुभंकर राय, जीवन भाई, गुड यार, गुड इवनिंग भाई। बाबा आपका ट्राइब छोड़ दिया क्या? नहीं, ट्राइब छोड़ा नहीं, चला गया था गुस्से में। मैं हूँ अभी, वो गिल्ड चैट ही कर रहा था, गुस्से में छोड़ दिया था यार। मैंने कहा भाई छोड़ के अभी क्या करना है यार, ज़्यादा नखरे उखड़े नहीं करना। थोड़ा सा मैं स्ट्रांग रहता ना तो यार, तो मैं वापस नहीं आता, मैं दूसरा ट्राइब ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैं खुद वीक हूँ तो मैं क्या करूँ यार। 260 के आसपास अगर मेरा एपी रहता ना तो मैं ट्राइब छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर लेता, लेकिन अभी 240 पे क्या छोड़ू यार, 240 पे क्या छोड़ू यार। मेरे को 243 या 244 करने के लिए ना, मेरे को यार टोटल है ना अपना 4 बिलियन सिल्वर जो है खर्च करना पड़ेगा यार। गाइस 4 बिलियन सिल्वर मेरे को खर्च करना पड़ेगा तो जाके होगा भाई। तो अभी सी ऑफ थीव्स की तरह ऐसे ही तूफान में फंसे रहो, घूमते रहो यार फिलहाल। ऐश्वर, हेलो भाई ऐश्वर, कैसे हो यार? गौरव, गौरव गौरव नाम है या गौरव नाम है यार? गौरव नाग ना, गौरव जीत दोयल। ट्राइब में हूँ मैं आ गया था वापस। कैसे हो जीवन भाई? भाई मैं तो भाई वैसे ही हूँ भाई, तुम ही दिखाई नहीं देते यार। अब आज पूछ रहे हो कि भाई कैसा हो है? कुछ और कुछ अवार्ड अवार्ड कुछ गिफ्ट उफ्ट नहीं मिला गया यार मेरे को? अरे हाँ गिफ्ट से याद आया, मेरे को ये सब चीज़ें भी इकट्ठी करनी थी यार, मैंने इकट्ठा ही नहीं किया भाई। यार कुछ नए कपड़े वपड़े आए क्या यार मार्केट में? मार्केट में कुछ नए कपड़े वपड़े आए क्या भाई? आए तो बहुत सारे कपड़े हैं यार, लेकिन पैसे नहीं है यार कपड़े खरीदने के लिए। साला बहुत महंगा है कपड़ा यार यहाँ का। वो भाई साहब क्या बात है भाई, देख रहे यार कपड़े भाई, वो भाई साहब देख रहे भाई कपड़े यार, पैसे वैसे नहीं है भाई ये खरीदे भाई। सही है यार, ये सही है भाई, ये वाला सही लग रहा है मेरे को। मेरा कैरेक्टर का थोबड़ा देखा तुम लोगों ने भाई? थोबड़ा देखो मेरे कैरेक्टर का, यार बना रखा है भाई गुंडे टाइप का, मवालियों टाइप का। ये देखो आंखें लाल भाई। वो भाई साहब ये कौन सा है बे? ब्रैक्टस कपड़े के नाम है ब्रैक्टस? ये तो भाई कुछ अलग ही दुनिया का कपड़ा है बे।
वाह भाली, पूरा आदि मानव लग रहा है भाई मेरा बंदा। आदि मानव लग रहा है भाई ये ऐसे फर क्यों लगा रखा है यार? इसमें स्टील का लगाते तो ज्यादा अच्छा रहता है यार फर की जगह पे। ये पूरा जो है आदि मानव लग रहा है भाई ये। खैर ये तो पुराना है यार, देखा हुआ है। हाँ ये कौन सा है बे, व्हाट द फक ब्रो, लियोनिडास। लियोनिदास भाई इसका नाम है भाई कपड़े का, लोनिदास। ओ भाई साहब ये तो सर अलग ही भाई, दुनिया का अलग ही लेवल का लौंडा लग रहा है भाई। भाई देखो यार 500 पर्ल का है। 500 पर्ल मतलब कितना डॉलर यार, 20-30 डॉलर का हुआ भाई कपड़ा ये। 20-30 डॉलर का कपड़ा है भाई ये। कह रहे नहीं यार कहाँ पहुंचे भाई, पहुंच गए अपन लोग भाई। 20-30 डॉलर का कपड़ा है भाई, वो रियल मनी लगता है भाई खरीदने में। हाँ वो वाला सही था लेकिन पैसे में तो लगते हैं भाई। न्यू गार्डियन कॉस्ट्यूम कब, कहाँ पहुंचे भाई, पहुंच गए। चल यार कुछ सामान वामान मेरे को यार ना, बहुत दिनों से मैंने लूट उट किया नहीं है, कोई मॉन्स्टर मारा नहीं है मेरे को, अच्छा कुछ लूट मिला नहीं है यार। आज मैं ये कंप्लीट करने के बाद ना, ये कंप्लीट करने के बाद ये वाला मिशन मैं सीधा जाने वाला हूँ। अपना निंजा जो है, निंजा मेरा, निंजा को एक नया हथियार दिलाने वाला हूँ और उसका आगे का मिशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं ये कर लूँ, बोर हो जाऊँगा तो यहीं पे छोड़ दूँगा साले को, दिमाग ख़राब होगा तो। ज़्यादा समुंदर में यार बोरिंग लगता है मेरे को, ज़्यादा मेरे को समुंदर में रहा नहीं जाता है भाई। ये तो वही एरिया है यार जहाँ पे पहले आते थे हम लोग ग्राइंड करने के लिए। समुंदर बहुत दूर चल के आना पड़ता था, पर उस समय इतना बड़ा जहाज़ नहीं होता था इस गेम में। ये गेम में जहाज जो है बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले छोटा सा एक शिप होता था वहाँ से आते थे भाई। राशन कितना बचा, राशन है भाई, चल शिप में। तो इस शिप को चलाने के लिए राशन चाहिए होता है भाई, राशन ख़त्म शिप वहीं पर लुढ़क जाएगा भाई, खड़ा हो जाएगा वो, तो ये भी चीज़ें देखना पड़ता है भाई। ये बड़ा वाला शिप यार मेरे को फिलहाल बनाने का यार, यहाँ पे ट्रेड कर ले। यहाँ पे पायरेट लोग रहते हैं यार, ये पायरेट पायरेटों की दुनिया है। तो 1 का 3 मिलेगा, तो मेरे को 1 का 3 मिला अभी। क्रॉन कैसल कॉइन चाहिए अभी वाइट वाला, तो वाइट वाला भी कॉइन कौन सा आइलैंड पे है जरा वो देख ले भाई। ग्रीन है ना ये, ग्रीन ग्रीन जरा कर लूँ। लेवल 3 का देखो, अभी इसके बाद है मैं प्रॉफिट इसको, अभी इसके बाद से जो ट्रेड करूँगा तो इसको बेच के मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। तो ये कहाँ पे है भाई, कितनी दूर है भाई, पास उसमें दे दे ना भाई मेरे भाई, बहुत दूर दूर दे रहा है अबे, क्या है बे। उसके बाद ये मेरे को मिल जाएगा लेवल 3। लेवल 3 के बाद से मेरे को आसपास कोई ट्रेड है या दूर है भाई, नहीं तो मैं निकल लूँगा भाई यहाँ से। मैं इतना इधर इधर नहीं लग रहा मेरे को, इधर नहीं लग रहा है भाई मेरे को, इधर लग रहे ना भाई। चलो ये पास में ये वाला मैं ट्रेड फिनिश करता हूँ, ये वाला ट्रेड फिनिश कर लूँगा, ये पास में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अपन लोग लैंड पे चले जाएंगे यार, फिर समुंदर को टाटा बाय बाय बोल देंगे यार। फाइट यहाँ पे भी होती है यार शिप पे, मैं कल एक शिप उड़ा दिया था भाई मैं गुस्से में, मैंने किसी बंदे का। उसके बाद भागा मैं वहां से, क्या भागा वो भाई मत पूछ भाई। एक सिस्टम है इसमें, आप नेगेटिव कार्मा में चले जाते हो, आपका कार्मा सिस्टम होता है यहाँ पे। चल भाई ऑटो पाथ कर ले रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, देखो ये है मेरा कार्मा है, तो ये कार्मा जो है ये 3 लाख मिलता है टोटल एक प्लेयर को, एक प्लेयर को 3 लाख मिलता है। जब ये 3 लाख से कम हो जाएगा ना माइनस में चला जाता है, फिर जब माइनस में चला जाएगा ना तो आप जो है ना पूरा प्लेयर करेक्टर आपका रेड हो जाएगा। रेड इन द सेंस कि मतलब कोई भी बंदा आपको कहीं भी ठोक सकता है, उस समय किसी को पेनाल्टी नहीं लगेगा आपको मारने के लिए, आप जो है वो वांटेड हो जाओगे। तो उस समय यार बचना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों से। लूटर ए बनेगा, लूटर ए बनेगा।
ये वाला शिप यार देख रहे हो यार, ये वाला शिप के चक्कर में भाई क्या बड़ा क्या शिप है भाई, ये इसको कराक बोलते हैं करावेल बोलते हैं पता नहीं, ये वाला भाई क्या है यार। इसके साइड में जो ये लगे हुए हैं ना भाई, देख रहे हो भाई साइड में साला तोप लगे हुए कैनन भाई, मजा आ जाएगा भाई। इसकी स्पीड भी इससे डबल होगी भाई। चल 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 यार जल्दी फिनिश करे यार इसको। ब्रोंटो बोंटो सी, ब्रोंटो नहीं बोंटो सी है भाई। ओके बोंटो सी है ये। चल 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 जल्दी निकल ले यार इधर से। सीधा ही मारते यार, सीधा ही चलते भाई। हवा भी साथ में, हवा तो साथ में ही है। भाई टीयर 8 का घोड़ा किसी ने मार्केट में डाला है भाई, 169 मिलियन का। एक और डाला है टीयर 8 का, 135 मिलियन सिल्वर का भाई। भाई 135 मिलियन, 160 मिलियन, 170 मिलियन, भाई क्या बेचते रहते हैं लोग भाई। अब सब जो भी जमीन पे होंगे ना सीधा वो अस्तबल में जाएंगे खरीदने के लिए उसको। दो घोड़े आए मार्केट में टीयर 8 के, टीयर 9 जो है इसमें हाईएस्ट है, टीयर 9 ड्रीम हॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है वो भाई सबसे ओपी वाले घोड़े हैं। मेरे को यार वो घोड़े बाई करने के लिए पैसे उसे तो है नहीं, पैसे से खरीद नहीं सकते। उसके लिए सिस्टम क्या है ना मेरे पास, एक एक रुको मैं तुम लोग दिखाता हूँ। ये साइनिंग सकाटू सील होता है, इसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो टीयर 8 का घोड़ा। ये इसके लिए 50 जो है, 50 जो है आपको ये करना पड़ेगा, 50 जो है वो करना पड़ेगा, 50 सील जो है इकट्ठा करना पड़ेगा तो आपको टीयर 8 का घोड़ा मिल जाएगा। लेकिन होशियारी है क्या यार ये सील जो इससे खरीद सकूं। मेरे पास ऑलरेडी इसमें दो तरह के होते हैं यार सील, एक ब्लू होता है कि येलो होता है। ये येलो वाले से 50 और ब्लू वाले से ब्लू वाला से 70 है। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ मैंने स्टोर करके रखा हुआ है यार। कहाँ पे स्टोर करके, मैं अपने टाउन में स्टोर करके रखा हुआ है मैंने इस तरह के सील। सील कहाँ पे है मेरे पास, कितने सील है, 50 सील अगर हो जाए ना मेरे को तो मैं टीयर 8 का घोड़ा ले सकता हूँ। ये देखो 20 है तो, और 30 30, यानी अभी भी और भी मेरे को वेट करना पड़ेगा यार। और एक ब्लू वाला भी सील है यार, ब्लू वाला थोड़ा महंगा है यार, ब्लू वाला 70 चाहिए। या येलो वाला जो है ना थोड़ा इवेंट उवेंट का है, थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा कॉस्टिंग इसकी कम है भाई। चल यार मेरा लास्ट ट्रिप है भाई, इतना लंबा लंबा मैं समुंदर में नहीं घूम सकता हूँ, उसके बाद निंजा के ऊपर ट्राई करूँगा मैं अपना। उसके बाद एक और जो है यहाँ पे एक एरेना टाइप का है, उस एरेना में अगर आप जाते हो ना, एरेना का फाइट जब विजयी होके निकलते हो ना तो आपको बहुत अच्छा अच्छा लूट मिलता है उसमें। बॉस बॉस का आइटम वाइटम बहुत कुछ मिलता है तो। लेकिन उस एरेना में जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा अपना लेवल और अप करना पड़ेगा। मेरे को मतलब लेवल मतलब कि जा तो सकता हूँ फाइट करने, लेकिन वहाँ पे तीन ही व्यक्ति का फाइट होता है, 3 पर्सन ही होते हैं टोटल। लेकिन वहां पे अगर जाऊंगा लूट के चक्कर में तो मैं मर जाऊंगा, और मरना अच्छी बात नहीं होती है। तो खैर मैं यहाँ पे मेरा वो भाई साहब, ओए 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 ओए, यहाँ पे हो गई गड़बड़ भाई, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई दोस्त कि मैं अपने औकात से ज्यादा मैंने यहाँ पे सामान जो है लाद लिया भाई, मेरी कैपेसिटी नहीं है इतना सामान के लिए। और एक पोर्ट यहाँ पास में दिख रहा है तो भैया अभी मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा अपना समुंदर की यात्रा को, कि मेरा जो है वेट अभी 5,000 कैरी कर सकता है, लेकिन मेरा वेट जो हो गया अभी सामान एक्सचेंज करने के बाद से 8,000 वेट हो गया भाई मेरा। भाई 8,000 वेट हो गया, तो अभी मेरे को अपने पूरे जर्नी पे ये समुंदर की यात्रा पे ब्रेक लगाना पड़ेगा।
और इस सामान को खाली करना पड़ेगा भाई। ये चल ले भाई, चल ले चल ले भाई, नहीं तो भाई मैं बहुत स्लो हो जाएगा मेरा ये यान है जी, या जो भी है, ये बहुत स्लो हो जाएगा भाई। इसको ऑटो पाथ दे देता हूँ यार, पहुंच जाएगा धीरे धीरे। हाँ तो यहाँ पे यार अपना सारा सामान स्टोर करते हैं, बाद में इसको यार वो करेंगे यार, बाटरिंग वाटरिंग करेंगे यार बाद में, जब वार वार के बाद जो है, आज वापस से आज शायद वार होगा, आई थिंक वार होगा, उसका चलते निंजा अपना सामान स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते यार इसको कैसे क्या करना है यार, कितना सामान सेल करना है, कितना बेरखना है यार, आई डोंट नो। क्योंकि यार इसको अभी जो है ना, अभी इसका स्पीड हो गया बहुत स्लो, अब इस 8,000 वेट लेके यार मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इस शिप की कैपेसिटी 5,000 की है, 5,000 की है। तो चल भाई यहाँ पे इसको पार्क करते हैं भाई, इवेंट कर लो बाबा। इवेंट के लिए यार मेरे को बंदे चाहिए यार, 3 बंदे मिलेंगे तभी स्टार्ट होगा यार, 3 बंदे मिलेंगे तो ही स्टार्ट होगा। इसमें अलग सा सेक्शन जा रहा है ना भाई, ये रुका हुआ तो नहीं, यहाँ जा रहा है बहुत स्लो जा रहा है धीरे धीरे। इवेंट के लिए यहाँ पे एडवेंचर में है क्या वो? एडवेंचर में नहीं हो, डार्क रिफ्ट है यहाँ पे, और हाँ ये रहा, ये वाला है अल्टार ऑफ ब्लड। तो अल्टर ऑफ ब्लड रैंडम मैच मेकिंग, तो रैंडम मैच मेकिंग 2 बंदे मेरे को रैंडम मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को अपना कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। ट्राई करूँ क्या, बोलो यार ट्राई करूँ? मेरा कैरेक्टर उतना मजबूत नहीं है यार, मेरा कैरेक्टर 239 AP है उसका, 239 AP यानी 240 मान ले यार, 270 60 होठ 50, 50 भी रहता तो एक बात मान लेता यार कि चलो मैं फाइट कर सकता हूँ। 270 में यार बहुत दुश्मन आते हैं यार, वेव पे वेव आते हैं एनिमी के, और अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी यार, उसके बाद जाना पड़ेगा यार, मेरे बहुत सारे बफ वफ लेके जाना पड़ेगा यार। अगर वहाँ पे लेकिन विजयी अगर हो गए ना भाई, लेकिन दुश्मन को यार कम नहीं वो कर सकते, और वहाँ पे मेडिकल किट उट भी लेके जाना पड़ेगा यार बहुत सारा, क्योंकि वहाँ पे है ना अपने पार्टनर लोग मर सकते हैं। तो मैंने किसी का वीडियो देखा था, वीडियो में उसने एक बंदे ने बोला था कि भाई तुम जितना से ज़्यादा हेल्थ पोशन है लेके जा सकते हो ना, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार अंदर घुस गए ना तो तुम्हें हीलिंग फिर कुछ मिलेगा नहीं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप हीलिंग लेके जाओ, और बहुत सारे जो है प्रोटेक्शन लेके जाओ, प्रोटेक्शन तो मिल जाता है यहाँ पे गेम में, चर्च बफ और पता नहीं क्या क्या बफ होता है मिल जाता है भाई, निकल ले भाई। भाई देख इसका वेट जो है ना, वेट वेट की लग चुकी है यार मेरे शिप की, मैं अपने औकात से ज़्यादा यार वेट इसका वो करके बैठा हूँ यार। चल ले भाई, चल ले दोस्त, चल ले, सामने ही है, सामने ही है भाई, वहाँ पे सामान रख देना है, अपने आप को वेट फ्री करना है भाई। चल ले दोस्त, चल ले, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, थोड़ा सा जगह है, और बस बस निकल ले भाई, निकल ले। तो 240 यार कम है यार, मेरे हिसाब से 240 बहुत कम है यार, 240 जो है ना मेरा अटैक पावर कम है यार, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, आई डोंट नो ब्रो। अबे क्या हो गया भाई, चल लेना दोस्त, सामने ही तो है भाई, ऑटो पे लगा के चल भाई, ऑटो लगा के चल भाई, यहाँ पे मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा यार। 81 वन आ टू लॉक्स, लेकिन उसमें है क्या, 5 वेव होते हैं, 5 वेव मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा है। इंडियन गिल्ड है क्या इसमें भाई? इंडियन गिल्ड नहीं है कोई भी, एक इंडियन गिल्ड था, डेड हो गया बाद में भाई, सब छोड़ के चले गए जो इससे पहले मैं गिल्ड में रहता था, सारे इंडियन थे, करीब थे यार 40-50 लोग, पता नहीं कहाँ से यार इकट्ठा किया था उसने, सारे 40-50 इंडियन थे, बाद में सब छोड़ छोड़ के भाग गए। बहुत लोगों ने गेम जो है क्विट कर दिया, बहुत लोगों ने ट्राइब छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं, क्योंकि इस गेम का जो मेन फन है वो PvP है भाई, इस गेम में अगर PvP नहीं कर रहे हो ना यार, ये गेम खेलना बेकार है, तो वो चक्कर था यार।
तो चल यार ऑलमोस्ट पहुंच गया यहाँ पे, सामान जो ही फेंकूंगा और अपना कैरेक्टर चेंज करूंगा, बाद में इसको देखेंगे यार बाद में इसको क्या अभी 9:30 बजे रीसेट होगा ना सारा कुछ, 9:30 बजे से पहले मेरे को ये सारा सामान वामान वो करना पड़ेगा। नहीं वैसे रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है यार मेरे को, हाँ रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे पार्क करूँगा और सामान जो है इसको खाली करता हूँ मैं। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर सिटी में स्टोरेज सिस्टम मिल जाता है, आपके पास एक्स्ट्रा सामान है आप उनको स्टोर कर सकते हो। तो चले यहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई, यहाँ पे इसको जो वो मैनेजर है पोर्ट मैनेजर उससे बात करता हूँ और अपना सामान जो है खाली करता हूँ मैं। ऑनलाइन ट्राई करूँ नहीं करूँ आई डोंट नो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ट्राई करूँ ना करूँ। तो देखो यार मेरा बोट का वेट देखो 8,000 हो गया था, 5,000 इसका लिमिटेशन है। अच्छा 3 का 3 मिला तो ये 9 हो गए यार। ओके ओके तो 3 में कम करूँ तो भाई अभी भी ज़्यादा है भाई ये। हेलो अबे भाई हेलो क्या कर रहे है बे, अबे पोर्ट इधर जाना था ना बे। इन रुक जाए यार इन वो ना, मैं अपने इन्वेंट्री में कैसे मेरे इन्वेंट्री में आ गया बे। अच्छा एक और आएगा नहीं आएगा, 5 है एक इधर डाल, तो 4 इधर मैंने डाला है फिलहाल। तो यही प्रॉफिट है यार गाइस, यही प्रॉफिट है देख रहे हो, एक का मेरे को 6 मिल गया है यहाँ पे। मैंने 3 4 नहीं 9 मिल गया भाई, तो 9 में मतलब कि मैं 9 एक्सचेंज मार सकता हूँ इसको। तो 9 एक्सचेंज अगर मारने जाऊँ अगर, तो मेरे को रुको यार देखने दो यार, इसको बाद के लिए संभाल के रखते हैं। ब्लू ग्रेड था ना ये, ब्लू ग्रेड में मेरे को एक का भाई यहाँ पे भी देखो, एक का 2 मिलेगा, यानी कि 6 लेके जाऊँगा तो मैं वापस से हैवी वेट हो जाऊँगा भाई। तो 4 ही लेके जा सकते हैं, 5 लेके नहीं जा सकते। अरे स्टोलन पायरेट डैगर ये पास में ही है बे, स्टोलन पायरेट डैगर कितनी दूर है भाई यहाँ का, ये चीज भाई पास में नहीं है भाई बहुत दूर है बे। कंप्लीट कर दूंगा यार इसको, कंप्लीट करके डायरेक्ट अपने पोजीशन पे ही जाके लगा देते ना बोट। यार यहाँ पे बोट लगाने कोई फायदा है नहीं, तो 1 का 2 मिलेगा यार मेरे को। अगर 3 लेता हूँ तो मैं 6, यार मैं 2 ही ले सकता हूँ यार यहाँ पे। मैं बहुत कंफ्यूजन है बे, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। मैं 2 ही लेके जाऊँगा तो 2 का 4 हो जाएगा मेरा वहाँ पे। रुको यार 1 मिनट जरा, मैं 1 मिनट चेक करने दो, 2 का ये 4 हो जाएगा। 2 है मेरे पास बोट में ये सामान, तो ट्रेड करूँगा 2 का 4 हो जाएगा, और 4 का फिर मेरे को कहाँ गया वो ब्लू येलो वाला लेवल 5 का यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4 का 4,000 मेरा वेट हो जाएगा यहाँ पे, और मैं एक्सचेंज 4 ही कर सकता हूँ। तो ये वाला भाई कहाँ पे है जरा देखो। अबे तो दोनों पास में ही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये ट्रेड कंप्लीट कर लेता हूँ ना ब्रो। हाँ ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं यार, कितना है अपने पास बोट में कितने है? ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा भाई मेरा। कितना है? 2 ही है ना, हाँ 2 है। तो ट्रेड कंप्लीट करे यार इसको, और इसको सप्लाई दे देना, क्योंकि ट्रेड कंप्लीट करके ना बाद में आके यहाँ पे मैं वो कर लूँगा यार गाइज। कम से कम एक एक तो मेरा फिनिश हो जाएगा ना ट्रेड भाई, एक ट्रेड फिनिश हो जाएगा। चल उसके बाद फिर ये एक ट्रेड फिनिश हो जाएगा, फिर बाद में फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है रिफ्रेश मारूंगा, तो यार बहुत कॉस्टली है यार रिफ्रेश। तो डाइटन, तो ये दोनों आइलैंड अगल बगल ही भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये फिनिश कर लेते हैं यार, फिनिश करके पैसे बना लेते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे है और दूसरा एक यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये आमने सामने है, उसके बाद फिर अपना बोट अपनी जगह पे जाके लगाएंगे, उसके बाद भैया वापस आएंगे नहीं जबकि पूरा कंप्लीट हो जाए। अब क्या हो गया भाई, चल ले भाई ये फिनिश कर लो यार, इसको फिनिश कर लो, क्योंकि पास में है, अगर ज़्यादा दूर दूर रहता तो मैं छोड़ के खुद भाग जाता। अबे क्या हो गया इसको, अबे आगे बढ़ ले ले भाई, क्या हो गया तेरे को? 3 सेकेंड क्या
क्या हो गया दोस्त? बग वापस से मेरे को इसको अंदर डाल के बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि उसमें क्या सीन क्या है ना, देख मेरे को 2 से 4 मिल जाएगा, वो 4 के बाद मैं कर ही नहीं सकता हूँ कि 4 लिमिट है उसका, तो 4 जब मैं कर ही नहीं सकता हूँ तो वो मेरा रूट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसको अंदर डाल पोर्ट के अंदर और बाहर निकाल वापस से, ये अभी ये शायद मेरे ख्याल से ये चलना शुरू कर देगा। अभी कभी कभी होता है यार गेम का बग है। 1 night मैं अभी उसके बाद एक काम करता हूँ, इवेंट पे ही जो बोल रहे हैं ना एक बार ट्राई करते हैं यार। ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़े पैसे खर्च होंगे मेरे को प्रोटेक्शन के लिए, समझे लक्ष्मी भाई, जाके उसके बाद यार वही कर लूंगा। इंडियन गिल्ड यार कुछ मेरे मेरे ट्राइब में एक दो बंदा होगा जो इंडियन है यार, मेरा एक ऑफिसर है खुद इंडियन है यार, और मैं इंडियन हूँ। चल अभी मैं फटाफट यार मैं बूस्ट मार के ही जाता हूँ यार वहाँ पे। तो अभी 2 है मेरे पास, 2 से 4 हो जाएगा, तो यानी कि टोटल मेरा वेट 4,000 ही होगा। अब देखो अभी देखो मेरे पास अभी वेट लिमिट क्या है इसका, इस शिप का मेरा 5,000 है, 5,000 LT का, 5,000 से ज़्यादा वेट मैं लेके नहीं जा सकता हूँ। बड़ा वाला जहाज है ना उसका वेट पता है कितना है, 15,000 है, नहीं 15,000 नहीं है शायद 10,000 है, 15,000 ये सबसे बड़े वाले का है। हाँ इसका 10,000 है, यानी कि भाई मैं ये जो आया ना अपना टाइम वेस्ट किया ना अपना पोर्ट पे, वो टाइम वेस्ट नहीं था मेरा, मैं आराम से सब कुछ एक ही बार में स्पीड में ख़त्म करके जा सकता था। लेकिन यार ये बहुत एक्सपेंसिव है यार, ये अब शिप को अपग्रेड करना यार बहुत एक्सपेंसिव है भाई। तो ये चल ये रूट कंप्लीट करके अपन लोग निकलते हैं यार। मैं एक्चुअली काम पे लग चुका हूँ यार, बोट अपग्रेडिंग के काम पे लग चुका हूँ। मैं अभी इसके बाद ये कंप्लीट करके मैं या तो फिर एक ट्राई मारूंगा मैं वो इवेंट का, जिसमें वो एरेना का, थोड़ा पैसे खर्च होंगे यार मेरे को, कितना 10 लाख सिल्वर जाएगा उसमें प्रोटेक्शन खरीदने में, 10 नहीं 15 इन्वेस्ट करूंगा मैं उसका। देखते मैं अपना गाड़ी लेके जाने वाला 240 यार, यार पता नहीं मेरा कब बढ़ेगा यार, मेरे पास कब 2 मिलियन भाई, 2 मिलियन बैंक में इकट्ठा होगा यार, पता नहीं यार डूड। तेरे को तो मन करता है कभी कभी कुछ सामान वामान अपना सेल कर दो यार, लेकिन सेल करके करूंगा क्या यार मैं, फिर तो मेरा दूसरा कैरेक्टर वीक हो जाएगा। और सेल करने के बाद अगर मैं सेल करूं तो सिर्फ मेरे को 4 + 4 होगा, यानी 239 जो है वो +4 होने के बाद 239 और +4 4 ही बढ़ेगा यार, 243 ही होगा यार। यार यहाँ पे AP बढ़ाने के लिए यार एंड में भाई बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है यार। आज डे कौन सा है यार, आज डे कौन सा है? चलिए आ गया पे, एक पे तो आ गया मैं बातों बातों में, इसके बाद एक पे आ गया और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला फिनिश कर लेंगे उसको, सीधा अपना जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पोर्ट पे जाके ये जो पार्क कर दूंगा मैं। इस वाले कैरेक्टर को तो मैंने टोटली यार मतलब मुक्ति दे दी है मैंने वार से, तो ये देखिए 2 का यहाँ मिलेगा मेरे को, 4 4 हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट जो है तलवार, तलवार स्टोलेन जो है, तलवार कहाँ पे हो रहा है भाई, ये रहा बंदा कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा। तो चलिए पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है ये, फट से ये रूट मेरा पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो पैसे जो बचने वाले हैं मैं सेल करने वाला हूँ, सेल कर दूँ या क्रो कॉइन ले लूँ यार, उसका पहले एक्सचेंज करने दो उसका देखते हैं। ये बगल में ही है भाई, इसमें लोग मछली भी मारते रहते हैं भाई, पता नहीं उनको क्या मजा मिलता है मछली मारने से। मैं तो यार लेवल 61 पहुंच के मैंने अपना
मतलब कैरेक्टर को अपग्रेड करना ही छोड़ दिया है भाई। मैं कोई कैरेक्टर ही अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ यार, मैं पता नहीं इस गेम में कहाँ गुम हो गया। आई डोंट नो गाइज, मैं तो बिल्कुल ही यार वो करके बैठ गया हूँ भाई। मैं चल 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 चल। अरे मेरे को एक और इनवाइट मिला था यार, किसी बंदे ने मेरे को पता नहीं ऐसे वो कि भेजा मैसेज भेजा, हिंदी में बात कर रहा था बंदा वो, और फिर मेरे को एक डिस्कॉर्ड का लिंक भी भेजा उसने कि भैया डिस्कॉर्ड ये ज्वाइन कर लो। वो पता चला इंडियन बंदे थे यार, सारे वहाँ पे इंडियन बंदे हैं, वो सारे ब्लैक डेजर्ट इंडियन खेलते हैं भाई। उस बाद उस डिस्कॉर्ड पे गया, देखा कोई बातचीत उचित होती नहीं है लोगों की, तो मैं भी ज़्यादा बातचीत किया नहीं, वैसे ही ज्वाइन करके पड़ा हुआ हूँ। पता चला वो सेलिंग और बार्टरिंग जो है ना, इसी का गिल्ड यही लोग करते रहते हैं। फाइट वेट में अपने इंडियन लोग ज़्यादा फाइट नहीं करते यार, इसमें सेलिंग करते रहते हैं, बार्टरिंग करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। ए भाई बॉस आया भाई, बॉस यार, बॉस टाइमर आज देखना पड़ेगा। डे बताया नहीं किसी ने आज कौन सा दिन है यार। मेरे को यार जरूरत है यार उसकी, डे का जरूरत है यार मेरे को, कुछ देखना था। मेरे को एक बॉस मारना है, उस बॉस को मारने के चक्कर पे। आज सैटरडे है। अबे शिट मैन, क्विंट आने वाला था ना शायद आज। वो फक यार, मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ यार। बॉस टाइमर, एक मिनट यार, आज आज एक बॉस आने वाला है जिसको मेरे को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर वो मर गया तो ठीक है यार। ए चल 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 चल, जल्दी 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 आ जा, खत्म कर भाई। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्यों नहीं बार्टरिंग क्यों नहीं कर रहा भाई। हाँ अबे मैं डिस्कनेक्ट कैसे हो गया बे, समुंदर के बीच में। मैं सोचूं यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था। और अच्छा, आधे घंटे में एक बॉस आने वाला है, पहले बॉस फाइट करने जाना है यार। क्विंट 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 चाहिए ना अपने को। ये देख यार, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया भाई मैं। सैटरडे अबे यार डूड, ऐसी की तैसी इस गेम का यार, साकी नाका भाई। अबे चलना बे, इस गेम का साकी नगर। आधे घंटे में क्विंट आने वाला, क्विंट एक बॉस है। क्विंट को मेरे को मारना है क्योंकि मैं थोड़ा सा अटका पड़ा हूँ यार क्विंट के चक्कर में। अबे डूड भाई, वो बंदे लोग चैट में लिख रहे थे तो मेरे को पता चल गया। चल भाई ये हो गया मेरे को। अभी इसको क्या करना है यार, ये 37 ईयर्स ओल्ड पता नहीं क्या है मेरे को मिला। अबे चल ना बे, जाने दे, क्या हरामी बंदे यार, मार दूंगा साले तेरे को। बॉस इज स्पॉनिंग इन 30 मिनट्स। हाँ 30 मिनट्स भाई, ये मेरे को चाहिए यार क्विंट, ये मारना है तो। खैर एनी वे रुको यार, येलो येलो ग्रेड में क्या कर रहा है। बैठ के साला ड्रामा कर रहा है भाई लौंडा। खैर एनीवे रुको यार, ये क्या था वो गाली लिखा साले को मैंने। ये हो गया, ये देख जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं कर नहीं सकता हूँ, अपना हो गया खत्म। तो इसको 65 मिलेगा एक का। चल यार वापस की तरफ जाने से पहले, हाँ वापस ही जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, भाई उतना मेरे को टाइम नहीं है उतनी दूर जाने का भाई, फक ऑफ। चल भाई अपना शिप जो है चुपचाप से यहाँ तमीज से यहाँ पे डालो, और 30 आधे घंटे पे बॉस आने वाला है, चल बॉस मारने चल।
गाली लिखा साले को। मैंने कहा यार हरामी यार, बंदा आके यार स्टाइल मार रहा, कैनन चला रहा है मेरे सामने। हाँ भाई तेरे पास बड़ा शिप है भाई, आके स्टाइल मार रहा, कैनन चला रहा है मेरे के सामने। भाई ठीक है यार, तेरे पास बड़ा शिप है भाई, हमने काम बना कर रहे हैं। 30 मिनट में बॉस आने वाला है, मेरे को 30 मिनट से पहले यार बॉस के पास पहुंचना पड़ेगा। पहले उससे पहले मेरे को अपना ये शिप जो है ना पार्क करना पड़ेगा। और ये जो 40 जो मैंने 4 जो ट्रेड किया है यार, ट्रेड का क्या करूँ यार, इसको वापस स्टोरेज में डाल देते हैं। ये कैरेक्टर तो लेके नहीं जाऊँगा मैं भाई, उसका मेरे को पता भी नहीं है मैकेनिक भाई क्या सिस्टम है उसका, कैसे मारते हैं वो। पहली बार मैं बॉस को मारने जा रहा हूँ, मैं उस वाले बॉस को। सर्वर लैग नहीं यार, पता नहीं क्या है, कभी कभी हो जाता है भाई। चलो बैक टू पोर्ट भाई, अपना पोर्ट जहाँ पे गया था मेरा, जहाँ पे घोड़े हाथी सब है, मुरिका क्विंट। यार एक बार जरा देख लूँ ये बॉस कहाँ पे स्पॉन होगा यार, इस बॉस को जरा मेरे को देखने दे। क्विंट, अच्छा क्विंट, अच्छा क्विंट तो इधर ही आने वाला है, यहीं पे आएगा जहाँ पे मैं हूँ उधर पास भी आने वाला है आधे घंटे में यहाँ पे। क्विंट हिल, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है यार, उसके चक्कर में मैं थोड़ा अटक गया हूँ काफी दिनों से। आधा घंटा यार बहुत होता है यार, इस वाले कैरेक्टर से मैं मार भी नहीं सकता। मेरे ये कैरेक्टर तो डेड कैरेक्टर है भाई, कुछ भी है भी नहीं साले के पास, कुछ फाइट वाइट करने के लिए कुछ भी नहीं। कोई पकड़ लेगा मेरे को आराम से मार देगा इसको। तो मेरा गार्डियन है वो थोड़ी सी मजबूत है यार, उसी के थ्रू मैं जा सकता हूँ। चल भाई निकल ले, निकल जल्दी जल्दी निकल। पूछता हूँ इनसे यार कौन से सर्वर में ये क्विंट करने जा रहे हैं यार। ये तो वो फिर 2-3 मिल बंदे मिल जाएंगे फिर मेरे को ठोक देंगे भाई। मैं भाई मेरे को शर्म नहीं है इस बात को बोलने में भाई, वाकई मैं इस गेम में बहुत वीक हूँ यार, मतलब कि लोगों के मुकाबले वीक हूँ यार। इसमें वो नहीं है कि भाई कि हर बंदा वीक है यार, लेकिन आप जो आपका जो डैमेज है, डैमेज पावर अगर दूसरों के मुकाबले कम है तो भाई आप वीक हो। मैं बहुत सारे एरिया है जहाँ पे मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा पावर जो है मैं वीक हूँ भाई। पहले एक बार पहुंच जाओ यार, 5 मिनट पहुंच जाऊंगा और 10 मिनट वहां पहुंच जाऊंगा यार, और ये फटाफट पहुंच जाऊंगा यार। ये सिर्फ ये पहाड़ी क्रॉस हो जाए ना मैं फट से पहुंच जाऊंगा। मैं तेरे को पता भी नहीं हो कहाँ पे स्पॉन होता है वो बॉस भाई, सही किया बता दिया यार, मैं कंफ्यूज था यार आज कौन सा दिन है। वो तो बातें मैंने सुना तो मेरे को पता चल गया, नहीं तो मेरा पूरा एक हफ्ता एक और बर्बाद जाता भाई। वो एक्चुअली क्या है कि मेरा एक मिशन है उसके चक्कर में अटका पड़ा हूँ भाई। चल चल भाई, यार रात भी हो रही है यार, यार समुंदर में यार नाइट, आई हेट नाइट भाई समुंदर में। उसके बाद फिर उसको पहले उस बॉस को चलते मार रहे, मैं तो अकेला नहीं मार सकता हूँ, और भी सर्वर में और भी लोग होंगे क्योंकि वर्ल्ड बॉस है। वर्ल्ड बॉस भाई अकेले किसी के बस का नहीं है मारना। क्या ड्रॉप करता है आई डोंट नो भाई। अरे चलना भाई, कितना स्लो की हो गया भाई तू, चलना भाई चलना, कितनी दूर है भाई। आया अभी मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो फास्ट पहुँच जाऊँगा। ये वाला थोड़ा सा रास्ता जो है ना अजीब सा है यार। 24 मिनट बाकी है भाई बॉस में।
अच्छा आज आज वो भी है ना, आज कॉन्क्वेस्ट वार भी चल रहा होगा ना बाकी सब सर्वर्स में। कॉन्क्वेस्ट वार मतलब कि एरिया का कैप्चर, अभी कैशल सीज चल रहा है अभी। आज सैटरडे है ना, गंदे वाली फाइट होती है। 6:30 बजे जो है ना स्टार्ट हो जाएगा शाम को। 5:30 बजे बॉस स्पॉन होगा यार। चल ले भाई, चल ले यार, जल्दी जल्दी निकल ले भाई। एक तो मेरे को दिख भी नहीं रहा यार, अंधेरा हो गया भाई गेम में। मैं फिलहाल इन सब ये सामान जो ट्रेड किए है, ट्रेड आइटम को मैं अपने अबे यार ये पत्थर कहाँ से आ गया भाई, दिख ही नहीं रहा। बोला ना भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा ये। शॉर्टकट के चक्कर में ना मेरी लग गई भाई यहाँ पे। हाँ चल ले भाई, चल ले, चल ले भाई, चल ले, बॉस फाइट करने जाना है भाई। चल ले भाई मेरे, चल ले भाई, निकल ले भाई इधर से, चल ले भाई, चल ले, घुस ले भाई, निकल ले। एक पत्थर से तू रुक जाएगा क्या? सामने दिख रहा है, चल ले भाई, वहीं जाना है। चल ले भाई, चल ले दोस्त। तेईस मिनट बचा हुआ भाई, चल ले। हो रहा सामने भाई, उस डॉट के पे जाना है। चल ये बोलो ना यार, यही दिक्कत है यार, इसीलिए मेरे को यार समुंदर से नफरत है भाई। आई हेट सी भाई, आई हेट सी, यही कारण है। अभी बूस्ट वोस्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। चल तू अचानक अपने से चल। यहाँ पे ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड चैट में, आज फाइट है ना, फाइट के चक्कर में लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। हर गेम टॉक्सिक है भाई, हर गेम टॉक्सिक है। हेलो भाई देवराज भाई, अरे नहीं, अभी तो पहुंच गया मैं। बाबा नाम क्या है, बाबा नाम क्या है भाई? सैम, सैम बुला ले भाई। देख भाई अंधेरा हो गया ना, रात के 10 बज गए, 10 बजते यार अंधेरा हो जाता है। घर ज़्यादा दूर नहीं है अभी, नहीं एक बार लैंड पे पहुंच गया तो पहुंच जाऊंगा यार। अभी 20 मिनट है ना, बहुत टाइम है यार, 20 मिनट तो आराम से पहुंच जाऊंगा। मेरे को बस अपना कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। ये लक्ष्मी है ना, रेडियो एक्स गेमिंग। हाँ भाई लक्ष्मी है। गॉड आर के सर्वर गेट गॉड, आर का क्या हुआ? कौन सा आर्क भाई? आर्क बहुत टॉक्सिक गेम है भाई। आर्क में मेरे को लोग बहुत सिखाते हैं और उल्टा सीधा गंदी गंदी गालियां देते हैं भाई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सर्वर में आके गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां देते हैं, और कई लोग उनको अपना दोस्त बना के उनके साथ बैठ के खेलते हैं और जानबूझ के गालियां दिलवाते हैं। तो उससे बढ़िया वैसा गेम मत खेलो भाई। जो आके आपके फैमिली को गाली देता है भाई, उसी के साथ लोग है ना गले में गले मिल के भाई गेम खेलते हैं। कहते मेरी माँ को थोड़े गाली दिया, तेरी माँ को गाली दिया ना, मैं तो खेलूंगा उसके साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई यहाँ पे दुनिया में।
रिडक्स गेम भाई, तो पहले भाई मॉड बनाने के लिए क्या मैं तुम्हारे घर पे क्या मॉड का सर्टिफिकेट लेके जाऊँ क्या दोस्त मेरे? मॉड के लिए भाई तुम्हें आना पड़ेगा ना भाई, बात करना पड़ेगा ना। ऐसे सपने में आ जाते हो यार और बोलोगे यार सपने में उठ के यार मेरे को मॉड बना दो। भाई फैमिलियर मेरे साथ कोई बातचीत करेगा बनेगा तभी, फैमिलियर बनेगा तभी तो मॉड बनाऊंगा ना। है भाई मॉड मतलब कि मॉड भी तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ना। अब ऐसे उठ के यार आके बोलोगे मॉड और गायब रहोगे तो भाई ऐसे थोड़े यार मॉड मिलता है किसी को भी, कहीं का मॉड, यूट्यूब का हो या सर्वर का मॉड हो या किसी का मॉड हो, बंदा सबसे पहले एक दूसरे को जानना तो जरूरी है भाई, कि भाई पहचान तो बनाओगे ना किसी से भी, या हाय हेलो लिख देने से यार भाई मॉड नहीं मिलता ना दोस्त, अपना विश्वास जीतना पड़ता है ना दूसरों के प्रति। है बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, ये तो गलत बात हो गई ना भाई, विश्वास जीतने से होता है ना। ऐसे अब सुबह सुबह उठा यार देखा स्ट्रीम चल रहा है भाई मॉड भाई मांग लेते हैं, ऐसे थोड़े मॉड मिलता है यार। चल भाई ये सामान जो है इधर अंदर डाल देता हूँ यार, मेरे पास अभी स्पेस भी नहीं है यार इसको डालने के लिए, और इसको बोट को है अंदर डाल, और बॉस के पास जा रहा हूँ बोट, बोट भाई सेफ रहेगा। मेरे पास अभी अभी यहाँ पे जगह भी नहीं बची यार, एक भी जगह नहीं बची भाई। चल 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 चल, अबे भाई मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, मेरे को तो कैरेक्टर चेंज करना है ना, कैरेक्टर चेंज कर बॉस मारने जाना है। लक्ष्मी को बोला था बट वो बोलता है कि सॉरी किसी और मोड़ देने, और आप मुझे जानते हो यार, जानता हूँ तो भाई महीने दिन सोए सोए रहोगे, अचानक से आके मोड़ मांगोगे तो कैसे मिलेगा भाई, लॉजिक की बातें करो ना ब्रो। कहीं कहीं गायब रहते हो, अचानक से आके मॉड मांगोगे तो कैसे मॉड मिलेगा? मॉड मांगने के लिए यार, मॉड बनने के लिए या कहीं भी एडमिन बनने के लिए आपको किसी भी इंसान का विश्वास जीतना पड़ता है ना दोस्त। मैं ट्रस्ट ही नहीं करूँगा तो भाई गायब रहोगे और अचानक से आके एक दिन सुबह सुबह बोलोगे यार मेरे को बोला था मॉड बनाने के लिए, तुम गायब रहोगे तो भाई कैसे मिलेगा? भाई बहुत हार्ड की बात नहीं है ब्रो, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ यार, इसमें हार्ड वाली बात क्या है यार, सच्ची बात बोल रहा हूँ। अबे मेरा घोड़ा कहाँ है बे? व्हाट द फक, वेयर इज माय हॉर्स भाई? हॉर्स मेरा हॉर्स मर गया क्या? ए भाई घोड़ा दे मेरे को, फक ऑफ। ये है क्या घोड़ा? रिकवरी 90 तो हो गया भाई, इधर टेक आउट। चल चल भाई, बॉस 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 चल, बॉस बॉस। अबे चलना बे, चलते भाई बॉस पे, चलते हैं बॉस पे। कहाँ क्विंट भाई? क्विंट किधर है भाई? भाई बहुत दूर है वो भी, यहाँ पे था ना क्विंट हिल, चल यहीं पे होना चाहिए। अबे चलना, आई नो ब्रो, आई नो बॉस इज स्पॉनिंग इन 15 मिनट्स, है तो मेरे पास 38 है। चल भाई, हाँ भाई वहीं जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ भाई, देखता हूँ भाई उधर कोई दुश्मन उसमें न हो यार, दुश्मन उसमें न हो भाई। ये कौन है बे? घोड़ा यहाँ पड़ा हुआ भाई, क्यों इतना अंधेरा क्यों है यार? नाइकी डिजाइन है बे, ओए सुधर जा, क्या भेज रहे? यार कहीं में विश्वास जीतना पड़ेगा ना दोस्त, ऐसे नहीं होता भाई। अबे ओए GTA खेलोगे? नहीं भाई, GTA ओटी के अभी टाइम नहीं है भाई, एक गेम में हूँ भाई, इस गेम पे ध्यान देने दो यार, नो GTA, अभी GTA ओटी है नहीं भाई, एक गेम में हूँ, एक गेम में पहले ध्यान देने दो मेरे को। इस गेम में मेरा टारगेट है यार, ये मेरा अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिस दिन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा उस दिन आराम से गेम इधर उधर जा सकते हैं भाई, भले एक गेम तो खेल लो यार। ये क्या है बे? क्या ये कहाँ से दवाई लेकर घूम रहा है भाई, ये क्या है? अरे यार मेरे को इतनी डिस्टरबेंस बढ़ गई है ना, इधर से वो दिखा रहा है, उधर से वो दिखा रहा है, चैट भी पढ़ रहा हूँ मैं।
नहीं भाई, एक बार में एक ही गेम यार, 10 गेम पे हाथ नहीं घुसाने का। लोग अच्छा लगे ना लगे भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मेरे को पता है इस गेम के बारे में। हेलो भाई गेमिंग सबीन, कैसा है भाई? मेरे को अच्छा लग रहा है ना गेम भाई, बात खत्म यार। आई एम एंजॉइंग ना भाई, हाँ मैं इंजॉय कर रहा हूँ भाई बहुत अच्छे से। अब लोगों की प्रॉब्लम है, दूसरा अगला बदला इंजॉय नहीं करता है तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे अंदर नहीं हो सकती है। रोज के रोज 18 मिलियन लोग जब इस गेम को खेलते हैं तो भाई उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मुश्किल से जिसका जो 30,000 40,000 प्लेयर जिस गेम में है मुश्किल से जुटते हैं, वो तो अच्छा नहीं हो सकता ना जहाँ पे 18 मिलियन लोग एक साथ खेल रहे हैं। हाँ सबीन तो आजकल भाई मस्त रहता है भाई, दुनिया में पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है दोस्त भाई। इस गेम को 18 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में खेलते हैं, रोज रोज लॉग इन होते हैं 18 मिलियन। अब आर कोर को भाई उसमें भाई 30,000 40,000, तो भाई 40,000 भी उसकी काउंटिंग पहुंचना मुश्किल है भाई उसको। अब जाहिर सी बात है इस गेम में तो भाई कुछ तो अच्छा होगा ना दोस्त। चलो भाई बॉस के पास पहुंच गए यार, 17 मिनट 13 मिनट 13 मिनट है भाई। मेरे को पता नहीं इस बॉस को मैंने आज तक लाइफ में कभी मारते हुए नहीं देखा यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस बॉस को कैसे मारना है। और अंधेरा हो चुका है भाई, इसी टाइम यार बॉस स्पॉन होना था, आई डोंट नो। आ मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। कौन सी दुनिया में रहता भाई? ये अलग ही दुनिया में रहता है भाई, पता नहीं कौन कौन से नए नए गेम निकाल रखे हैं, उधर ही लगा पड़ा रहता है भाई। ब्लैक फ्लैग एंड विकेड के बीच में वार छिड़ गया, और काइजोकू और एक और कौन है, मुगेंसु। ये कौन कौन सा है, काइजोकू और मुगेंसु? ये कहाँ के भाई गिल्ड है भाई? ट्राइब नहीं गिल्ड होता है यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ गया, लेकिन यार मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है था बॉस स्पॉन कहाँ पे होएगा यार। लाइव आफ्टर में यार, लाइव आफ्टर मैंने खेला था, स्ट्रीम भी किया था लाइव आफ्टर का। उसमें एक चक्कर क्या है कि जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, तो या तो फिर एनर्जी बाई करो या फिर बहुत धीरे धीरे आता है यार, वो बहुत वेट करना पड़ता है। इसलिए यार भाई वो एनर्जी जो है ना, एनर्जी यार बाई करेगा पैसे से यार, उसके चक्कर में भाई मैंने उसको छोड़ दिया भाई। लाइव आफ्टर खेला हुआ है मैंने, अच्छा लगा था मेरे को। उसमें घर और बना सकते थे, बाइक बना लो, गन को मॉडिफाई करो, बहुत सारी चीजें थी। चलो आ गया यार, मैं फाइनली यार टाइम पे पहुंच गया भाई। अभी भी 11 मिनट बाकी है यार बॉस आने में, आप लोग अभी भी पहुंच गए भाई। पे टू वाइन। अब कोई भाई घेर के ना मारे यार मेरे को, कहाँ पे इसका बॉस कहाँ पे स्पॉन होता है भाई मेरे को। बॉस इज स्पॉनिंग इन 10 मिनट्स। हाँ पता है 10 मिनट में बॉस स्पॉन हो रहा है, लेकिन बॉस कहाँ पे आता है भाई, कहाँ पे मिलता है बॉस? यहाँ पे, ये यहाँ पे बता रहा है, कहाँ पे बॉस कहाँ पे आएगा यहाँ पे? भाई मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है बॉस कहाँ पे आने वाला है। आज लग रहा मेरा ये शहीद होने वाला है घोड़ा बॉस के चक्कर में। अच्छा एक बंदा यहाँ पे, एक और बंदा है। अरे और भी बंदे हैं, अच्छा, चल चल। अच्छा और भी बंदे हैं यार, मैं सही जगह पे हूँ यार, इसका मतलब है। अच्छा, ओके ओके, बी ब्लड लॉस्ट। अच्छा चल भाई, यानी मैं सही जगह पे हूँ भाई, मैं सही जगह पे आया हूँ भाई। चलो बफरिंग भाई, बफरिंग का कुछ नहीं कर सकते यार अभी मैं भाई, इंटरनेट चल रहा है इस लॉकडाउन के जमाने में, यही काफी है भाई। अबे क्विट क्या है, अबे क्यों मैं क्विंट, अबे क्यों भाई मैं क्यों वर्ड खा जाता हूँ यार, यार मैं हमेशा ऐसी सी जगह पे
रहता हूँ भाई कि मत पूछ यार, मैं वर्ड खा जाता हूँ। 9 मिनट यहाँ पे बंदे बंदे जा भाई, बंदे लोग आ रहे हैं भाई, बंदे लोग यानी कि सही जगह है भाई। मेरा घोड़ा किधर रखा यार, घोड़ा वो कर दिया भाई। रुक यार, मेरे पास कोई कुल्हाड़ी वाड़ी है क्या भाई, कुछ है फाइट वाइट वो भाई? अच्छा मेरे पास ये है, चल 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 लकड़ी उकड़ी काट ले भाई, लकड़ी उड़ी काटते हैं भाई। चले भाई ए आजा, टट। भाई मैं लाइफ में पहली बार इस बॉस के पास आया हूँ भाई। आई एम न्यू, आई एम डू मी टू। भाई मैं कौन सा हूँ भाई, मैं कौन सा लकड़ा चौधरी हूँ, मैं भी नया ही हूँ भाई। भूख भी लग गई यार गाइज, मेरे को खाना भी नहीं खाया यार। मैं सबसे पहले उठ के यार स्ट्रीम ही कर रहा हूँ मैं। लकड़ी वकड़ी काट लो यार, जब तक ये बॉस स्पॉट नहीं होता यार। अपन लोग लकड़ी लकड़हारे बन जाते हैं, लकड़ी बेचेंगे भाई बाद में गेम में। तो भाई इस गेम में हर चीज़ खुद से करना पड़ता है यार, लकड़ी काटो ये काटो वो काटो। अभी अभी इस चक्कर क्या है ना, देखो यार मैं क्यों मैं इस बॉस, अबे यार एक गड़बड़ हो गई भाई। लूट लूट लूट, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस बॉस के चक्कर में क्यों हूँ यार? यहाँ पे एक एडवेंचर बुक होता है, ये देखो बुक है। तो इस बुक में ना, ये बुक जो है मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ये पूरा का पूरा जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। सिर्फ एक ही है ना, क्विंट बॉस को डिफीट करना बाकी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर में पहुँच जाऊँगा। इससे ये जो है ना बुक क्या है, इस पर टोटल जो इतने सारे बुक है, कितना 15 बुक है शायद। तो ये जो है ना बुक कंप्लीट करने के बाद आपको है ना थोड़े बहुत जो है ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये एक लॉग है, एक लॉग है आपने मतलब अपने जर्नी में क्या किया। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट बैठा हूँ। तो ये जो है ना इस बॉस को, क्विंट बॉस जो है, ये वर्ल्ड बॉस है, इसको मारना है। तो इसको मारूंगा तो मैं अगला बुक जो है यहाँ पे ओपन होगा। तो इससे कुछ थोड़े बहुत मतलब कुछ कुछ वो मिलता है, पावर मिलता है। तो उसके चक्कर में यार मैं बैठा हूँ यार। तो क्योंकि अगर इसको आज नहीं मारा तो फिर वापस से यार पूरा 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। और ये बॉस जो है ना यार वीकली स्पॉन होता है, ये रोज रोज स्पॉन नहीं होता, वीकली। तो हर एक सैटरडे को स्पॉन होता है, तो फिर मेरे को अगले सैटरडे को वेट करना पड़ेगा। ये कौन था बे भाई? ये लैग, गंदा लैग हुआ बे यहाँ पे। तो इसलिए भाई मैं इस बॉस के चक्कर में आया हूँ। ऐसे ही मेरे को पता भी नहीं है बॉस क्या ड्रॉप करता है, क्या देता है, आई डोंट नो भाई। 6 मिनट बाकी है बॉस आने में भाई, Boss एकदम। is spawning soon. हाँ भाई 6 मिनट बाकी है भाई। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं पहली बार यार अपने गार्डियन लेके आया हूँ बॉस मारने के लिए। मैं हमेशा अपना जो है ना वो जर्कर जो है, बजर्कर है ना, वो यूज़ करता था। पांच मिनट बाकी हो गया अभी। लकड़ी काट ले भाई, लकड़ी इकट्ठा कर ले भाई, सब जलाएंगे। लकड़ी लकड़ी से ही जला दूंगा साले को। लकड़ी इकट्ठा करते आग लगा देंगे, चीता बना देंगे उसकी अपन लोग। अबे ये कौन है? बॉस आ गया, बॉस आ गया। अबे नहीं, ये म्यूटेंट रोल है भाई, ये अलग है। अबे ये अलग है भाई, ये तो कुछ अलग है भाई। ओ भाई मारा साले ने, मारा। इससे क्या मिलता है भाई, पता नहीं। अबे रात के अंधेरे में तो कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को भाई।
मारो 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 साले को। अबे कितनी एचपी है बे इसकी। चार मिनट भागे भरेगा नहीं भरेगा चार मिनट पे ये। बे क्या मार रहे बे गंदा मार रहे भाई। अबे है क्या ये मेरे को तो अभी तो समझ नहीं आया ये इसको मारने से मिलेगा क्या हमारे को। अभी तीन मिनट है तीन मिनट मर जाएगा ये। अरे मारो ना खत्म करो यार। अबे पैरों में पायल की जगह पर रस्सी बांध गया है। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ओ भाई ये क्या बे नाच रहा है ये। मुझे लगा बॉस स्पॉन हो गया। अबे मैंने कहा भाई कैसे हुआ। अभी दो मिनट बाकी है बॉस आने में। ये मरेगा नहीं भाई ये मरेगा मरने वाला नहीं है भाई। भाई इतने लोग मार रहे फिर भी नहीं मर रहे बे ये। भाई इसका हेल्थ तो दिखाई नहीं रहा मेरे को। दो मिनट बाकी है भाई यहाँ पे बॉस आने में। हम लोग यहीं पे लगे पड़े हैं। अबे अच्छे खासे लोग कितने लोग मार रहे हैं चार पांच ही लोग हैं क्या। अरे आ जाओ मार लो ना। एक मिनट भाई ये नाच रहे है वे ये नाच नाच के मार रहा है। एक मिनट बाकी है मेन बॉस आने में। भाई ये तो इसका छोटा सा पिल्ला भी इतना भाई मजबूर कर दिया। अगला बॉस कैसे भाई। बक बक मैं भाई फिर भी लोग तो हैं भाई मार तो रहे हैं। यार मेरे को गार्डियन पता नहीं क्यों यार खेलता हूँ गार्डियन से लेकिन मेरा गार्डियन क्लास मेरे को पसंद नहीं आया यार। इसको दो चार ही स्किल है यार जो होता है भाई दो चार ही स्किल भाई दो तीन ही स्किल यार वही यूज करते स्पैम करते रहते हैं भाई। आ गया चल 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 वो आ गया बॉस वो रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अबे कहाँ है वो ये है क्या। ओ भाई ओ भाई मर गया मैं। अबे भाई इंस्टेंट मार दिया भाई इसने भाई इंस्टेंट मारा भाई इसने भाई भाई वन शॉट मारा मेरे को। अबे क्या कर रहा है ये बंदा भाई। हेलो ब्रो भाई इंस्टेंट भाई उसने ठोक दिया मेरे को बे इंस्टेंट। अबे कर क्या रहे ये भाई इंस्टेंट मारा भाई इस बंदे ने इंस्टेंट भाई ये कर क्या रह रहा है इसको।
ओ भाई क्या चाह रहा है भाई ये। भाई क्या ठोका बे उसने। ओ भाई क्या मार रहे बे ये इंस्ट भाई। भाई मेरे को मौका ही नहीं दिया भाई उसने तो इंस्टेंट क्या ठोका है भाई उसने। ओ भाई ये देखना एक बार में कितनी लाइफ लेके जा रहे ये भाई। भाई भाई थोड़ा दूर 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 भाई दूर दूर भाई दूर दूर भाई एचपी एचपी भाई ये बहुत खतरनाक है भाई ये तो। लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है इसको इसके पैरों के नीचे रहने में भाई ये वाकई भाई मार क्या रहा है भाई ये। भाई वापस मारने मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ भाई। भाई कहाँ गया वो कहाँ पे भाई बॉस। अरे यार भाई कसम से यार ये क्या खतरनाक बंदा है भाई ये मरने वाला। रुक यार मैं मेरे पास वो नहीं है ना अभी 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 मैं मेरे पास पोषण नहीं था ना जिंदा रहने के लिए। कहाँ गया भाई ये ऊपर है। भाई क्या कसम से यार ये बॉस है कि मजाक है भाई। ए भाई 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 मेरे को किल फिट चाहिए यार इसका मेरे को ओपन करना है मैं एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। भाई दो बार ठोका इस बंदे ने। ओ भाई अच्छा अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये जहाँ पे नाश्ता है ना वहाँ पे वो हो जाता है भाई निशान आ जाता है लाल लाल। ओ भाई निकल अबे निकल निकल अबे निकल निकल भाई फिर ठोका साले ने। भाई भाई नहीं 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 मेरे को नहीं माफ कर बे भाई। ओ भाई मर गया अबे 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 मरा कैसे बे भाई ये आके मेरे बदन के ऊपर गिर गया साला मैं मर गया अबे। डूड भाई दूर रह भाई इससे। ओ भाई मैं फिर गया भाई भाई सेफ जोन। It's daytime soon. अबे तेरी ऐसी की तैसी डे टाइम की। भाई ये है क्या बे मेरे को समझ में नहीं आया दोस्त। भाई उससे पैर रखता है और धरती भाई डोल जाती है दोस्त। भाई इतना तो भाई दूसरे वाले बॉस भाई इतने डेंजरस नहीं है। अपन लोग ने इतने सारे बॉस मारे हैं लाइफ में पहली बार ऐसा बॉस देख रहा हूँ। भाई एक काम कर यार इसको ना एक बार ठोकता हूँ। भाई निकल ले इधर इधर दूर रहे भाई एक एक भाई दिया ना इसको दूर रहे भाई इसको दूर रहे भाई 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 वो पैर से क्या मारता है बे। ओ भागो 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 अबे भाई ये कौन सा इसका डांस है बे ये अबे कौन सा डांस है बे अबे भाई अबे ये कौन सा डांस है भाई। मर गया साला फाइनली मरा ये व्हाट द फक।
मार दिया भाई लोगों ने। भाई ये कौन सा बॉस था बे? भाई वो एक पैर मारता था आदमी पूरा साफ। क्या मिला मेरे को? ओ भाई क्या मार रहा है भाई मेरे को कुत्तों की तरह भाई इसने तो। भाई ये जो मेरे को अभी जो ये मिला है ना भाई मेरे को, ये 33 मिलियन का भाई वो है, 33 मिलियन का मेरे को क्रिस्टल मिला है भाई। हाँ भाई 33 मिलियन का क्रिस्टल मिला भाई। भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, लाइफ में ऐसा मैंने भाई लाइफ में ऐसा मैं इतने साल हो गए मेरे को ये गेम खेलते हुए, भाई इतने साल हो गए मेरे को खेलते हुए भाई, मेरे को नहीं पता भाई ये कि क्या मिला भाई। ओके इसको 20 अच्छा भाई साहब ये 33 मिलियन का मेरे को मिला यार। भाई वो बुक का क्या सीन है? बुक भाई बुक सबमिट हुआ नहीं हुआ भाई? हाँ हो गया भाई सबमिट हो गया फाइनली भाई, ये बुक कंप्लीट हुआ। एक हफ्ता वेट किया था मैंने इसके लिए। अभी बुक 7 है भाई, 7 में भाई अभी बाद में इसको कंप्लीट करूँगा भाई कसम से। डूड यार मैं ऐसे कुत्ते की मौत जिंदगी में नहीं मरा हूँ यार। भाई मतलब कि इतना भाई कजारका के सामने मैं बिना डरे भागा हूँ भाई। मेरी डीपी जो है ना डैमेज 283 है, अटैक 240 है भाई। 283 पे मैं वन शॉट मार रहा था ये बॉस, साला पागल हो गया बॉस भाई ये। भाई मिला 33 मिलियन का एक ड्रॉप मिला यार। नहीं यार गाइज मैं भाई इस ब्लैक डेजर्ट ऑनलाइन के हर तरह के बॉस देखा है, मतलब ऐसा कमीना बॉस। अबे चलना कहाँ भाई, भाई ऐसा कमीना बॉस मैंने नहीं देखा भाई लाइफ में। अरे भाई चलना तू का क्या कर भाई, ऐसा कमीना बॉस नहीं देखा मैंने लाइफ में अपने भाई दोस्त। भाई 5 बार मारा है उसने मेरे को, 5 बार मेरे को लास्ट में। ये 3 तो यही मैं यूज कर चुका हूँ मैं भाई। एक बार तो मैं जिंदा हुआ और उसी समय ठक से मर गया मैं। डूड भाई कसम से यार मेरे को नहीं पता था कि भाई ये इतना खतरनाक बॉस है। अभी मेरे को समझ में आया गेम ने क्यों बोला साला इसको मारने के लिए, ये गेम भी हरामी है यार। बोला बेटा तू बहुत मारा है अभी तू जाके दे यार। तो यानी यहाँ पे इस बॉस को मारने के लिए ना जो मेली वाले बंदे हैं वो प्रॉपर नहीं थे, वो जो दूर से मार रहे थे वही भाई सही थे भाई। जो रेंज टाइप के बंदे थे ना, जो रेंजर क्लास थे वही सही था भाई। ये मेली क्लास में तो भाई भाई। अच्छा ओके ओके यहाँ पे फाइट होने वाली है ना, फाइट होने वाली है। हे
ए फ्रैंकी मैन कैसा भाई? फ्रैंकी मैन, ए ए फ्रैंकी, ए दुश्मन कैसा भाई? अबे कोई हिंदी में गाली दे रहा है भाई यहाँ पे? अरे कोई हिंदी में गाली दे रहा है भाई? एमसी गेम लिख रहा है कोई हिंदी में? मैंने उसको लिखा क्या हो गया भाई? रैंडम हिंदी गाली सुन के कानों को अजीब सा लगा भाई इस गेम में। भाई कौन था भाई ये? हिंदी में गाली दे रहे ये? हेलो हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? हेलो माय फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड, हेलो 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 माय फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? चल खड़ा हो जा। खैर यार अपना रिपेयर करे यार भाई। चल वो तो कंप्लीट हो गया यार। चल खुशी इस बात की, को बुक पे मैं ये अटका पड़ा था भाई। भाई इसको मारने के लिए ना वो लॉन्ग रेंज वाला बंदा ही चाहिए यार। वो अपना वो लेके जाओ यार, क्या नाम है उसका, जो क्या बोलते हैं यार उसको, विच विच लेके जाओ यार, वही सही है भाई। रिपेयर कर यार, उसने पूरा का पूरा मेरा वो आर्मर वर्मर की वाट लगा दी भाई उसने। 31,000 का डैमेज भाई साहब, जेब बात भाई। चल भाई साहब, ओ हो। फ्रैंकी मैन हाउ आर यू? फ्रैंकी मैन, ए फ्रैंकी यार, ये पता है क्या ही है ये? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? अभी 6:30 बजे जो है ना वार शुरू होने वाला है यहाँ पे, इसीलिए लोग खड़े हैं भाई यहाँ पे इतने सारे। ये सब है ना फटाक से दूसरे सर्वर में जाएंगे और वहाँ फाइट चालू होने वाली है। तो चल यार अपना वो निंजा को आगे बढ़ाते हैं यार, निंजा की स्टोरी बनाते हैं। वन टू भाई, इसको यहीं पे रहने दे भाई, हटा। निंजा को आगे बढ़ाते हैं भाई, अपना हो गया भाई कामयाब। ये हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बस मरने का एक ही फायदा हुआ कि 33 मिलियन सिल्वर का मेरे को फायदा हो गया भाई, 33 मिलियन। चल भाई अपना निंजा का कहानी आगे बढ़ाओ यार। वेयर आर यू निंजा भाई? आज आज सैटरडे था इसलिए फाइट विट नहीं हुई ना, कल संडे है तो मंडे को अपने को फाइट है यार। ओके तो चल अपन लोग इधर आ गए ले भाई। अपने को करना क्या था? निंजा अवेकनिंग। ओके तो अवेकनिंग क्या होता है ना? अवेकनिंग का एक नया क्वेस्ट होता है, उसमें क्या है ना, मेरे पास अभी ये दो हथियार है, एक ये हथियार है और एक ये हथियार है। ये दो तरह के हथियार है मेरे पास, तो ये दोनों हथियार जो है मेरा वो हो जाएगा मिलके, तीसरा जो है अवेकनिंग वेपन एक मिल जाएगा। तो इस तरह से है भाई ये गेम मैकेनिक है भाई, जो भी है। तो ये तीसरा हथियार मेरा ये हो जाएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में, अरे यार मेरे को यहाँ पे एक इन्वेंट्री स्पेस का एक क्वेस्ट है। अरे एक और फ्री का घोड़े का क्वेस्ट है भाई, फ्री का घोड़ा मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे, टीयर 5 का घोड़ा मिल जाएगा फ्री का भाई।
ले लूँ क्या यार क्वेस्ट यहाँ पे? आई थिंक है यार यहाँ पे ट्रेड मैनेजर, ट्रेड मैनेजर ये है बंदी भाई। यहाँ पे अस्तबल किधर है? अस्तबल, अस्तबल ये रहा ना। हाँ यहाँ पे कुछ तो है यार, कुछ करने से मेरे को फ्री का एक घोड़ा मिल जाता है यार, यहीं पे मिलता है ना घोड़ा एक फ्री का, पता नहीं यार याद नहीं आ रहा है मेरे को। ये कौन था, कौन है बे तू? तो चल यार अपन लोग इधर जाते हैं, यहाँ पे जाऊंगा तो अपना एक नया क्वेस्ट मिलेगा। कौन है बे ये? क्या है ब्लैक में क्या होगा भाई इसको? भाई मत मारियो भाई, नया नया लौंडा है मेरा, अभी भी जवान हुआ है भाई, इसके पास तो ताकत भी नहीं है फाइट करने की, अभी अभी जवान हुआ है अजवान। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल मेरा बाप नहीं भरेगा भाई, मैं ही भरूंगा भाई, बाप क्यों भरेगा? हाँ वो आशीष चंचल लानी वाला ना भाई, हाँ वीडियो भाई अभी अभी देखा क्या भाई? वो सही था भाई, वो सही था और एंड उसका सही है, आशीष चंचलानी का वीडियो यार, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा भाई, वो सही था भाई, याद आया, याद है मैंने देखा है, और एंड में अपने बाप की ही लेता है वो, नहीं बाप नहीं उसका, उसके उसका बाप का बाप जो है होता है उसके दादा का फोटो होता है, वो चीखता है ना कि बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, वो सही वीडियो था यार। आई होप यार तुम आशीष चंचलानी के बारे में बात कर रहे थे, मेरे बारे में नहीं बात कर रहे थे। तो चलो भाई यहाँ पे आगे मिशन ये करेंगे भाई, इस बंदे जिससे मैं मिलने जा रहा हूं उसका नाम है वेलेंटाइन। भाई साहब ये ग्रीन ग्रीन चैट जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, ग्रीन चैट भाई, सारे टॉक्सिक चैट चल रहे हैं भाई। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? तो चल भाई यहाँ पे इसका मिशन कंप्लीट करते हैं, कि नया मेरे को हथियार मिल जाएगा इसका। हेलो भाई वेलेंटाइन भाई कैसे हो? निंजा अवियर टाउन भाई हट पे यार, अवियर टाउन क्या होता है यार? ये भी ये क्या है अवियर टाउन, ये क्या है? हाउ डू यू नो? तो बस निंजा एंड ओल्ड कॉम्रेड, ये क्या है भाई? रुक यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कूदने को बोल रहा है, कूदने को बोल रहा है भाई, ये 5 बार जंप करना है यहाँ पे। वाओ दो क्या होता है इससे? अबे ओए ओए बैड बैड, 4 हो गया ना? हाँ हो गया भाई, चल दे भाई हो गया, चल कूद लिया मैंने, पैसा निकाला, पैसा निकाल गए। ओके 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 चल चल, ये तो हो गया भाई। मेमोरी जो हब हैशटैग डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड इस पे कुछ नहीं डाला भाई, इस पर गौरव भाई डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड इस पर नहीं डाला, तो अभी क्या करना है यार इसको, इस मिशन को? निंजा मीट सौ दी किंची इन अल्टीनोवा, भाई कितना दौड़ाएगा बे, दूसरे कोने में जाके कहता रहा है उस बंदे से मिल ले भाई, भाई ये क्या मजाक है बे, ये कह रहा भी दूसरे कोने में एक बंदा है वहाँ पे जाके मिल, वो तेरी हेल्प करेगा। अबे चल ला कूद ले भाई, तो चल भाई इसको ऑटो पाथ कर देता हूँ यार, बहुत दूर जाना है भाई, बहुत दूर दौड़ा रहा है भाई ये, भाई अल्टीनोवा जाना है भाई, बहुत दूर भाई, इतना दूर क्यों भाई,
डिस्कॉर्ड लिंक भाई नहीं है यार, यहाँ पे डिस्कॉर्ड लिंक नहीं यार, डिस्कॉर्ड में आजकल कम रहता हूँ यार। अरे बहुत दूर यार भेज रहा है यार मेरे को भाई। कोई दूसरा MMORPG भी अपलोड करो, दूसरा MMORPG एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन है, यही मेरे को पसंद है यार। तो रुक जा यार, मेरे को पहले वहां जाने दो यार जहां जा रहा हूं मैं, दूसरा MMORPG। दूसरा एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन है भाई, वो तो मेरे PS4 पे भी है, डाउनलोड करना पड़ेगा यार। भाई वो बॉस भाई मेरे को अभी तक याद आ रहा है यार, क्या मारा है कुत्ते की तरह यार मेरे को उसने। लुकिंग फॉर वार हीरो मिनिमम AP 270 प्लस मैक्स पे। पहले एक तो खत्म हो भाई, एक और डार्क क्रिप्ट ओपन हो गया भाई। कौन सा डार्क क्रिप्ट ओपन हुआ भाई? अच्छा बेग, बेग का ओपन हुआ, स्टार बेग। अभी मेरे को उस वाले इलाके में जाना पड़ेगा यार, वहां पे कुछ कुछ चीजें हैं भाई करनी पड़ेंगी मेरे को। सब यार लगे पड़े हैं यार, वार की तैयारी चल रही है सबकी, आधा घंटा बाकी है वार में। ये बड़े बड़े जो गिल्ड होते हैं ना टीयर 3 वाले,
वो यहाँ पे फाइट करते हैं। अपन लोग तो यार छोटे हैं, टी वन वाले हैं, टीयर वन वाले। असली फाइट आज होती है भाई, सैटरडे को। बहुत गंदी फाइट होती है भाई। यार बहुत दौड़ा दिया यार, पूरा बिल्कुल मेरे को दूसरे कोने में भेज दिया मैप के भाई। ओ भाई साहब, ओ यहाँ पे फाइट चल रही है। ग्राफिक्स अच्छा उतना अच्छा नहीं है यार, मैं और अच्छा कर सकता हूँ लेकिन लैग होना शुरू हो जाएगा गेम। ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं है, डिटेल में जाऊंगा तो लैग हो जाएगा यार, इसीलिए ग्राफिक्स यार लो पे रखा हुआ है। अभी भी कभी कभी लैग हो जाता है यार। भाई मैं अभी भी हंसी पड़ रही है, मैं क्या कुत्तों की तरह मार रहा था भाई वो बॉस। कॉन्क्वेस्ट वार विल बी बिगेन एट 9 PM। 9 PM यानी कि 6:30 बजे अपने इंडिया के टाइम के हिसाब से। हार्ड बॉस नहीं था यार, सबसे हार्ड बॉस जो है वो ऑफिन है, टेट ऑफिन करके हार्ड बॉस है वो। मैं हमेशा मिस कर देता हूँ उसको, बहुत हार्ड बॉस है भाई टेट ऑफिन। ऑफिन सबसे हार्ड है यार अभी तक का। भाई वो मेरा नेट जो है ना यार, नेट अप डाउन कर रहा है इस लॉकडाउन में यार, किसी को बोल भी नहीं सकते फिक्स करने के लिए। बस चल रहा है नेट भाई, बस इतना ही भाई। वो है कि भाई
यहाँ पे बस नेट चल रहा है भाई इस लॉकडाउन में। भाई अभी नेट को किसी को बोल भी नहीं सकते फिक्स करो। है कभी कभी इशू करता है यार नेट यार, जब से ये लॉकडाउन हुआ है शुक्र कर भाई चल रहा है यार बस, और कुछ नहीं है। प्रोसेसर का कुछ इशू नहीं है यार। चल यहाँ पे कहाँ है बंदा, कहाँ गया भाई वो जिससे बात करना था। भाई रे भाई, ये कहाँ पे कौन सी दुनिया में है बे बंदा, ये कौन से कोने में छुप के बैठा हुआ है साला। इन लोगों को कहाँ से मिल गया यार भाई, ये कौन सी दुनिया में बंदा है। वही तो भाई, अभी अभी चक्कर क्या है ना कि इस लॉकडाउन में बोल भी नहीं सकते ना भाई। रिडीम प्राइड, ओके भाई। निंजा, निंजा का स्किल यार क्या है, निंजा पेशेंस क्वालिटी। भाई बहुत सारे क्वेस्ट दे रहा है यार मेरे को, क्वेस्ट का दे रहा, बोलेगा बहुत जगह पे जाके मारो। और डिफीट फ्रेनेजाइट स्केलेटन, डिफीट गरुड़, डिफीट मेंस, डिफीट हार्स एंशिएंट वेपन और मीट द एटम। भाई यार बहुत सारे चीज़ों को मारना पड़ेगा मेरे को भाई। तो जाके ये कंप्लीट होएगा भाई मिशन। हाँ पहले हार्स वाले में जाता हूँ यार, सोल्जर ग्रेव नहीं, पहले यहाँ पे जाके ये फिनिश करता हूँ। चल तो यहाँ पे पहले अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं नए वेपन के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, उसके लिए मेरे को जाके वहाँ पे कुछ फाइट करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे को नया फाइट मिलेगा भाई। चलो पहले जाके खत्म कर। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है यार, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन मार्क है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पता नहीं, बाद में देखूंगा यार इस क्वेश्चन मार्क को। मेरा घोड़ा कहाँ गया, ये है ना क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है क्वेश्चन मार्क भाई, यहाँ पे यहीं पे आ रहा था ना क्वेश्चन मार्क, किधर है क्वेश्चन मार्क भाई। हाँ भाई पता है यार नीचे वो है। रुक यार जरा क्वेश्चन मार्क पे जाके थोड़ा सा देख लेता हूँ यार, क्वेश्चन मार्क है किस चीज का, किस चीज का क्वेश्चन मार्क था भाई ये। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था ना इधर, अभी क्वेश्चन मार्क ही नहीं आ रहा, ऊपर से क्वेश्चन मार्क दिखा रहा था यहाँ पे, क्या हो गया भाई। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऑलरेडी है क्वेश्चन मार्क। रुक क्या है भाई ये क्वेश्चन मार्क दोस्त। अच्छा यहाँ पे कोई बंदा है बे, कौन है ये बे, फिशर, ये कब आया भाई गेम में पता नहीं, कब आया भाई ये आई डोंट नो। चल 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 भाई, मेरा घोड़ा कहाँ गया। चल भाई फाइट करना भाई, वो अंदर का एरिया जहाँ पे मैं अभी फिलहाल पहली बार जा रहा हूँ ना भाई, वो बहुत खतरनाक जगह है भाई, वो खतरनाक जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन भाई इतना ही बोलूँगा बहुत खतरनाक है भाई। ये क्या है, चल हटा फेंक फेंक इसको, बहुत खतरनाक जगह है भाई वो। चलो भाई चलो चलो फाइट फाइट फाइट, मेरा डीएम देखना। हाँ भाई देख लूँगा भाई, देख अभी देख, नेट वापस से वो डाउन हो गया, बोला ना यार नेट का क्या बोलो यार। भाई वो थोड़ी सी खतरनाक जगह है, पता नहीं मैं सरवाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। इसके बाद मेरे को यार वो डार्क क्रिप्ट के बॉस भी करने हैं यार, मेरे को बॉस बॉस भी करना है भाई, मुझे पांच आ गए हैं बॉस भाई, नए बॉस।
पांच में से कितने हैं? एक दो तीन चार, चार मेरे को बॉक्सेस देंगे, चार नहीं तीन देगा ना, तीन बॉक्सेस मिलेगा मेरे को। क्या है भाई, क्या है, क्या कर रहे है? अच्छा यहाँ पे भी फाइट करनी है ना मेरे को। अच्छा इनको भी मारना है ना, कितना मारना है यहाँ पे। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इनको भी मारना है ना भाई मेरे को। अरे बहुत जंपिंग जपाक मार रहे हैं भाई। 14, अच्छा 50 को मारना है ना इनको। 50 तो पट से मर जाएंगे, 50 रुपये बंदे। सत्रह हट भाई, इसको मार के क्या होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं है, फालतू का टाइम लगा मेरा। फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है भाई ये बंदा। चल हो गया ना ये वाला पार्ट तो हो गया। अब आगे दो और पार्ट है मेरे को। डिफीट हार्स एंशियंट वेपन, भाई वो कमीने हैं भाई, हार्स एंशियंट वेपन है वो कमीने होते हैं भाई। मेरा घोड़ा कहाँ गया? कहाँ गया घोड़ा भाई मेरा? घोड़ा पीछे रह गया क्या? हाँ शायद पीछे रह गया मेरा। आगे रह गया, पीछे रह गया भाई, घोड़ा कहाँ? अच्छा नहीं पीछे ही रह गया। एक और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो जगह जा रहा हूँ ना भाई, वो अंदर एक गुफा में यार, वो जगह है भाई, वो कमीना जगह है भाई। पहले ये ख़त्म कर लो, ये ख़त्म कर लो। यहाँ पे दोनों भाई बॉस बहुत बदमाश है यार। खैर कोई भी ख़त्म करे यार, चल पहले ख़त्म कर। दोनों पास में ही यार, दोनों जो ये करना है फिनिश करना है। Get
यहाँ पे दो एरिया है, इनको पहले हराना है तभी मेरे को अगला हथियार मिलेगा यार, नेक्स्ट वेपन भाई, अगला वेपन मेरे को मिलने के लिए ये हराना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे दो बंदे हैं तो पहले ओपन वाले को मार देता हूँ, बाद में फिर अंदर वाले को मारूंगा मैं। ये मतलब कि छोटे लोगों के लिए, छोटे बोले तो मतलब कि है भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार। ओ भाई सब चल भाई, कहाँ है तू, किधर भाई? ये मरे हुए सैनिक है भाई, ये मरे हुए सैनिक है दोस्त। अबे कहाँ गया भाई? ओए देख जा, ओ भाई, अबे नहीं, इससे पंगा नहीं, इससे पंगा नहीं, ये हरामी बंदा है। देखा भाई, हरामी है भाई, बहुत हरामी है बंदा वो। भाई बहुत ठोक रहा है भाई ये तो। कहाँ गए बाकी, कहाँ है? 15-15 को मारना था मैंने, कुछ को मार दिया मैंने। हो गया भाई कंप्लीट, ये मर गए, 30 मार दिया मैंने। अबे हट पे यहाँ पे, कहाँ था गया? कौन है भाई तू, कौन है तू, कौन है तू, कौन है? और चल हो गया ना, अभी लास्ट वाला बचा है यार, लास्ट वाला डेंजरस है यार। तो ये जो लास्ट वाला है यार, ये अपने अंडरग्राउंड में है और उसको थोड़ा मारना, थोड़ा सा वो है भाई। देख ले, टियर 8 का घोड़ा लेके उड़ रहे भाई, उड़ रहे हैं लौंडे लोग भाई। ओ भाई 15 मिनट बाकी है भाई वार शुरू होने में। कोई जमाना था, हम भी, मैं भी जाता था यार, हमारा भी गिल्ड था पुराना भाई, वो बहुत धांसू गिल्ड था। जो मैं सबसे स्टार्टिंग में मैं जिस गिल्ड में था ना भाई, वो एम्परर एम्परर बन के रहते थे हम लोग भाई। उसको हम लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाई मैं गेम भी क्विट कर दिया अचानक से, क्योंकि फिर वो टाइम की कमी थी। प्रॉब्लम क्या था कि भाई ऑफिस ऑफिस जाता था मैं, तो मैं सेम टाइम पे जा नहीं सकता था मैं ऑफिस में। तो अच्छा खैर ही नहीं मैं यार, अपन लोग आ गए यार, ये हरामी जगह है भाई, हरामी भाई, बहुत खतरनाक जगह है भाई, बहुत खतरनाक जगह है भाई। ओ भाई मार मत, मार मत, मार। हाँ इन लोगों ने तो मेरे को वो कर दिया, अरे चिपका के रख, चिपका दिया भाई इन लोगों ने। भाई साहब
हो गया ना मेरे ख्याल से, इतना काफी है यार, इतना कितने हो गए यार, 40 मारना था, 24 हो गए, 24 हो गए, तो 24 अगर हो गए तो मेरे को वापस जाने के रास्ते में अगर जाऊंगा तो मेरे को तो ये हो जाएगा ना भाई मेरा, हाँ ये हो जाएगा भाई, कंप्लीट है यार मेरा यहाँ पे। हाँ काफी भाई हो गया मेरा, 40 मारना था मेरे को, यहाँ पे 30 हो गया भाई। ठीक है थर्टी 32 हो गया, 32 अगर हो गया मेरे को, तो ये हो गया यार, बाहर निकलते निकलते मेरा 40 कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को मेरा नया वेपन मिल जाएगा भाई मेरे को। हो गया भाई हो गया, चल चल ये अंदर घुस गया, फिनिश ही कर दो भाई इसको।